यशया चैप्टर 55 एंड वर्स 1 जेसायो 55 पर्व तर प्रथम पद हे तृषित लोक सकल तुम्हें माने जल निकट को आसो पणे जहार किछि अर्थ नाही से आसो तुम्हें माने आसो कीण ओ भोजन कर हाँ आसो अर्थ ओ मूल्य बिना द्राक्षारस ओ दुग्ध कीण अहो से प्यासी लोगो पानी के पास आओ और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ दाख का दूध और दूध बिने रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। पिछले दिनों में कई दिनों से हम लोग उत्पत्ति के किताब 21वें अध्याय और उसके 14 से लेकर के 20 तक के वचनों को पढ़ते चले आ रहे हैं। गत अनेक दिनों रो हमें आदि पुस्तक तर 21 पर्व 14 रो 20 पद में ध्यान करी आसु छु। उत्पत्ति के किताब के 21वें अध्याय 14 से लेकर के 20 तक के वचनों को पढ़ने के समय में इश्माइल हजीरा के संबंध में लिखा हुआ एक चित्रण हम लोग वहाँ पर देखने पाते हैं। आदि पुस्तक 21 पर्व 14 रु 20 पद पढ़ीबा समय रे एठारे आमे इस्माइल हगारंगर गडे चित्रण को देखु। किस रीति से इ लोग रास्ते में भटक जाने के समय में पानी के बिना मृत्यु के समीप आ पहुंचे। जे केउ रीति रे एमाने पथहरा हेबा समय रे जलर अभाव हेतु मृत्यु रो समीप हेले। ऐसे समय में जब इन दोनों ने प्रार्थना किया तो लड़के का प्रार्थना को सुन करके स्वर्गदूत ने हजीरा के आंखों को खोल दिए। जेते वे एही प्रकार समय रे जेते बेले एही दुई जना प्रार्थना करले सेते बेले बालकर प्रार्थना सुनी परमेश्वर हागर रे चक्षु को प्रसन्न करले और वहां पर एक सोता दिखाया जिसके समीप हजीरा गई और उसने अपने बच्चों को पानी पिलाई। और एठारे गोटे स्रोत को देखाइले जहर निकट को हागर जाई अपनार बालक को पान कराई। लिखे हुए इस कहानी में नहीं तो बताए गए इस चित्रण में हम लोग ने पानी के संबंध में देखा। लिखा जाय थे एही कहानी बा एही चित्रण रे हमें जल विषय रे देखिलो। दो प्रकार का पानी हमारे सामने रखा हुआ है। जे आम सम्मुख रे दुई प्रकार जल रखा जाय अछि। एक पानी जो ये संसार हमें देता है या सांसारिक लोग हमको देते हैं। गोटे जल जहां हम को ई जगत दिए बा ई जगत रे सांसारिक लोके दियो वो सांसारिक लोग भले ही हमारे अपने क्यों ना हो किंतु जो वो पानी देते हैं वो पानी खत्म हो जाता है। से सांसारिक लोके अमर निजरो संपर्क हेले मध्य से माने जेउ जल दियंती ता सरी जाय। हमारे अपने लोगों के द्वारा मिले जाने वाला वो पानी किसी भी आकार और किसी भी रूप में मिलता होगा। अमर निजर लोक मान गठार मिलु थिबा जल केउ आकार रो रूप रो मिलु थाई। लेकिन ये पानी जब खत्म हो जाता है तो एक मनुष्य मृत्यु की ओर या मृत्यु के समीप चले जाता है। किंतु एही जल जेते बेले सरी जाय सेते बेले गोटे मनुष्य मृत्यु पर मृत्यु रो समीप होइ जाय। लेकिन आज से तकरीबन 2000 साल पहले किंतु आज ठारो पाखा पाखे 2000 वर्ष पूर्व हमारा परमेश्वर मान मनुष्य रूप धारण करके अमर परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करी यीशु मसीह के नाम से इस जगत में प्रचलित हुआ। प्रभु यीशु के नाम रे एही जगत रे प्रचलित और वो इस पृथ्वी पर रहने के दिनों में अवश्य यही पृथ्वी रे थिबा दिन गुड़ी एक दिन इस प्रकार ऊंचे शब्द से चिल्लाते हुए कहा दिने एक प्रकार उच्च स्वर चित्कार करी कहिले यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए यदि कोई तृषित हो मोनी कोट को आसु परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा हो। यीशु मसीह की उस आवाज को सुन के हर एक लोग जितने लोग प्यासे थे यीशु मसीह के पास आ पहुंचे। यीशु ख्रिस्ट को से ईश्वर को सुनी प्रत्येक जितने लोग तृषित थिले यीशु के निकट रासी पहुंचे और जितने लोग यीशु मसीह के पास उस प्यास बुझाने के लिए आए उन सबको यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह के द्वारा आत्मा के द्वारा उनकी प्यास को बुझा दिए। और जेते लोग प्रभु जीसु को निकट को अपना तृषा मेंटाइबा निमंत आसले प्रभु जीसु अपना अनुग्रह द्वारा अपना आत्मा द्वारा तहां को तृषा को से मेंटाइले। उस दिन मरुभूमि में हजीरा ने आंख खोल करके देखा हुआ वो सोता यीशु को दिखाता है। सही दिनों से प्रांत रे हगार चक्षु उन्मुक्त हेबा द्वारा देखे थे स्रोत प्रभु जीसु को दिखाए। जिस सोते के जल को लेकर के इस्माइल पी कर के जीवन जिया वो यीशु को दिखाता है। जो स्रोत रो जल को नहीं इस्माइल पान करे जीवन पाई ले तहा जीसु को दिखाए। संसार देने वाले पानी से पियोगे हम प्यासे होंगे और बार बार प्यासे होते हुए विनाश लोक की ओर बढ़ेंगे। जगत देउथिबा जल रो जदि हमें पान करिबा बारंबार पान करे हमें तृषित हेबा और विनाश आड़े पहुंचिबा। लेकिन यीशु देने वाले पानी के पास यीशु देने वाले उस जल के पास अगर आते हुए यीशु रूपी सोते से निकलने वाले जल से अगर हम पान करेंगे हमारे अंदर एक संतुष्टि एक तृप्ति एक अनंत जीवन बहने लगेगा। किंतु जिस रूपी से जल निकट को से स्रोत निकट को हमें आसिले से स्रोत रूपी प्रभु जीसु
आसुथबा जळर आमे पान कले आमठारे संतुष्टि तृप्ति आमको आ जीवनर नदी प्रवाहित हेबो परमेश्वर के पवित्र नाम के महिमा होवे परमेश्वर के पवित्र नाम रे महिमा यीशु देने वाले इस जल में कई अनुभव है करके हम लोगों ने परमेश्वर के वचन के द्वारा ध्यान किया जिसु दउथबा ए जळ बा जिसु रूपे जळर अनेक अनुभव अछि बोले आमे वाक्य रे ध्यान करलो सबसे पहले यीशु मिलने वाले इस जल ने तो यीशु रूपी इस सोते के समीप आने से मिलने वाले पानी के द्वारा हमें मिलने वाला अनुभव क्या है सर्वप्रथम जिसु दउथबा ए जळ बा जिसु रूपे सोते निकट को आसेबा द्वारा मिलुथबा सर्वप्रथम अनुभव कोन यशय के किताब 12 अध्याय के 3 वचन के आधार पर हमने देखा कि ये जल जो सोता से निकलने वाला ये जल उद्धार को ने तो मोक्ष को या मुक्ति को दिखाता है जैसा 12 पर्व 3 पद अनुजय हमें देखिलु ए स्रोत रे मिलुथबा प्रथम अनुभव उद्धार बा मोक्ष बा परित्राण को दिखाए एफिसी की किताब 5 अध्याय 26-27 वचन के द्वारा ये जल का दूसरा अनुभव हमें शुद्धिकरण करने वाला एक वचन है करके लिखा हुआ है एफिसी 5 पर्व 26-27 पद अनुजय ए जल रे द्वितीय अनुभव वाक्य द्वारा हमको शुद्धिकरण करबा अनुभव को दिखाए इस जल में दिखाई देने वाला तीसरा अनुभव नीति वचन 20 अध्याय के 5 वचन के आधार पर हम लोगों ने देखा कि ये एक परामर्श के रूप में या एक सलाह के रूप में यीशु मसीह से बह करके हमारे लिए आता है हितोपदेश 20 पर्व 5 पद अनुजय हमें देख लो ए जल रे तृतीय अनुभव जाकी गोटे परामर्श मंत्रणा स्वरूप प्रभु जीशु से स्रोत रूप जल रु आम निकट को आसे इस यीशु रूपी सोते से या यीशु रूपी कुएं से मिलने वाला चौथा जल का अनुभव वो जीवन का जल है एक यीशु की दुल्हन बनने के लिए आग्रह करने वाले उसके पवित्र मंडली को शुद्ध सिद्ध करके परमेश्वर के सामने खड़ा करने के लिए ये जीवन देता है जिस रूपे स्रोत ठारो प्रभु जिस रूपे एक कुआं ठारो जल रो कुआं ठारो मिलुथबा चतुर्थ अनुभव जाके जीवन नदी अटे प्रभु जीशुकर कन्या को पवित्र हेबा निमते शुद्ध सिद्ध करी ताहा को सम्मुख उपस्थापित करबा निमते यह कन्या को मिले ये सोता जो यीशु है ये कुआं जो यीशु है ये कुआं जो चिल्ला रहा है मेरे पास आओ मैं तुमको बिना मूल्य का ये जल दूंगा जिससे तुम्हारा आत्मा प्राण और शरीर रक्षा पाएगा तृप्त होगा उसका चौथा पांचवा अनुभव इन दिनों में हम लोग ध्यान कर रहे हैं ए स्रोत ए कुआं जे के प्रभु जीसु ए कुआं जे चित्कार करी कहो अछि जे तृषित मो निकट को आसो तुम्हारा आत्मा प्राण शरीर तृप्ति दबो यार पंचम अनुभव को ए दिन गुड़ी कर हमें ध्यान करू आइए ये पांचवा अनुभव क्या है उसको जानने के लिए समझने के लिए और एक बार प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 15 की ओर हमारे धर्म शास्त्र खोलेंगे असंतो ए पंचम अनुभव कौन ताको जानिबाने मते बुझिबाने मते आउ थरे अमर धर्म शास्त्र को प्रकाशित वाक्य प्रथम पर्व 15 पद अड़ को खोली रेवलेशन चैप्टर 1 एंड वर्स 15 इज द फिफ्थ एक्सपीरियंस ऑफ वाटर प्रकाशित वाक्य प्रथम पर्व 15 पद जलर पंचम अनुभव अटे ताहांको पाद भाटी रे परिष्कृत उज्जवल पीतल तुल्य ओ ताहांको स्वर महाजल कलर सदृश परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा हो प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 15 वचन यीशु मसीह का स्वर यीशु मसीह की वाणी महाजल के कलकल के समान ने तो बहुत जल राशि के शब्द के समान सुनाई दिया करके लिखा हुआ है अब प्रकाशित वाक्य प्रथम पर्व 15 पद रे प्रभु जीशु का स्वर शब्द से महाजल कोलाहल रो शब्द परी बोली लिखा अछि तो वाटर कैन बी कंपेयर विद द वॉइस ऑफ जीसस और वॉइस ऑफ गॉड सही जल परमेश्वर का स्वर बा परमेश्वर का शब्द स्वर प्रभु जीशु का स्वर कि ईश्वर का स्वर स्वरूपे हमें तांको तुलना करी पारिबा प्रभु जीशु का स्वर बा ईश्वर का स्वर सो यह हमें तुलना करी पारिबा परमेश्वर के पवित्र नाम के महिमा होवे परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है द वॉइस ऑफ जीसस यीशु मसीह की आवाज या परमेश्वर की आवाज एक जल के समान हमें बुला रहा है प्रभु जीशु का स्वर बा शब्द परमेश्वर का स्वर बा शब्द जल परी हमको डाकू अछि इन दिनों में उद्धार को प्राप्त किए हुआ हमें से प्रत्येक उस कुएं के पास जाकर के जब तक हमारे जीव में संतुष्टि ना आ जाए जब तक हम लोग परमेश्वर के राज में ना पहुंच जाए जब तक हम लोग यीशु मसीह के साथ उसके सिंहासन में ना हो उस कुएं से पीते रहे वो हमारे प्राण में संतुष्टि लेकर के आएगा ए दिन गुड़ी करे उधार पाई अछि जे आमे माने अमन को जीवन रे हमें जेबे जे संतुष्टि को पाई ना जेबे जे ईश्वर को राज रे पहुंचे ना प्रभु जीसु को सिंहासन में बसे ना सेबे जे सेई जल रे पान करी करी हम भीतर संतुष्टि को हमें आनीबा दरकार परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है इस स्वर को सुनने के लिए दो प्रकार की योग्यता होना चाहिए करके पिछले दिनों में हम लोगों ने देखा यही स्वर को सुनिबा नि मनते दुई प्रकार योग्यता दरकार बोली हमें गत दिन गुड़ी करे देखिलो सबसे पहली योग्यता सर्वप्रथम योग्यता
प्रार्थना जीवन होना चाहिए, प्रार्थना जीवन है दरकार। दूसरी योग्यता, द्वितीय योग्यता आराधना। जो कोई प्रार्थना करता है और आराधना करता है वही यीशु की आवाज उसकी वाणी सुन सकता है। जे के प्रार्थना करे आराधना करे से ही जिस से ईश्वर शब्द वाणी सुनी पा रहे। इन दिनों में उसकी आवाज सुनने से क्या आशीष मिलेगा, इस विषय के बारे में हम लोग ध्यान कर रहे थे। यही दिनों गुड़ी करे से ईश्वर सुनिले क्यों सब आशीर्वाद मिले हमें। बहुत जल राशि के समान प्रभु यीशु मसीह की आवाज या उसकी वाणी परमेश्वर के प्रिय लोगों कुछ निर्दिष्ट बातों को बताने के लिए हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति और आशीष के लिए हमारे पास बहते हुए चले आ रहा है। प्रभु जीशु से स्वर बहु जल राशि परी किसी निर्दिष्ट विषय को कहवा निमंत हमारे आत्मिक जीवन उन्नति को आनवा निमंत आम निकट को भय आस। लास्ट वीक हम लोगों ने इस बात को ध्यान किया उत्पत्ति की किताब की तीसरे अध्याय के 8 वचन के आधार पर। गत सप्ताह हमें इस विषय को ध्यान कलु आदि पुस्तक 3 पर्व 8 पद आधार रे। हमारे इमेज को या हमारे जीवन को यीशु के जीवन के समान रूपांतरित करने के लिए हमारे यीशु की आवाज हमें सुनना जरूरी है। हमारे जीशु को परी रूपांतरित करने मनते ताको स्वर सुनिबा आवश्यक। हम लोग यीशु के समान अपने जीवन को बदल डालने के लिए हमें ये आवाज सुनना जरूरी है। जीशु को परी हमारे जीवन को बदलाई दबानी मनते यही स्वर सुनिबा आवश्यक। जो लोग इस आवाज को नहीं सुनते वे लोग यीशु मसीह के समान अपने आप को बदल भी नहीं सकते। जो माने यही स्वर सुनते नहीं समान निजी को जीशु को परी बदलाई पारिबे नहीं। इस आवाज का दूसरा अनुभव परमेश्वर की आवाज से मिलने वाला दूसरा आशीष हमने देखा। ये आवाज हमारे जीवन के पिछले बातों को हमें दिखाने करके उसमें उन्नति कराने के लिए हमें से बातें करता है। ईश्वर व परमेश्वर ईश्वर द्वितीय अनुभव आशीर्वाद विषय में देख लो ईश्वर सुनवा द्वारा हमारे गत जीवन और विगत विषय सब को हमको देखा सजाड़ा को चेष्टा कराए। उस चीज को सुधारने के लिए वो एक व्यवस्था एक नियम देता है। हाँ दूसरे स्थान में परमेश्वर की व्यवस्था ही उसकी आवाज है। ताको सुधराइबा निमंते गोटे नियम व्यवस्था दिए अन्य शब्द रे परमेश्वर का स्वर ही से व्यवस्था होते। वही है हम लोग परमेश्वर की आवाज जो सिनाई पर्वत के ऊपर सुनाई दिया उस आवाज में दिखाई देने वाले का दूसरा अनुभव द कमांडमेंट ऑफ गॉड इज द वॉइस ऑफ गॉड। ताई परमेश्वर का सही स्वर जाए कि सिनाई पर्वत रे सुबह गला परमेश्वर का आज्ञा ही परमेश्वर का स्वर होते। इस सिनाई पर्वत में सुनाई देने वाली आवाज का तीसरा अनुभव तुम लोग किस रीति का मंदिर बनाना किस रीति से अपने जीवन को गठन करना इसके बारे में परमेश्वर ने एक निर्दिष्ट दर्शन एक शब्दों में बता करके दिया। ऐसे नियो पर्वत रे सुबह जाते बस ऐसे वर तृतीय विषय जे क्यों रीति रे तुम्हें मंदिर को गठन करी बार अच्छे निजर जीवन को गढ़ी बार अच्छे गोटे दर्शन प्रभु देले। आज हम लोग परमेश्वर की आवाज से मिलने वाला एक चौथा अनुभव को हम लोग ध्यान करेंगे। आज हमें प्रभु का स्वर और मिलते वास्ते आशीर्वाद चतुर्थ विषय को ध्यान करेंगे। परमेश्वर की आवाज जल के समान है करके बाइबल में हम लोगों ने देखा। परमेश्वर का स्वर जोड़ो परी बोली हमें बाइबल में देखा। बहुत जल के समान परमेश्वर की आवाज ने मुझसे बातें किया करके यूहन्ना यहाँ पर लिखता है। बहु जोड़ो कोलाहल शब्द परी परमेश्वर का स्वर मो सह कथा हेले बोली यूहन्ना एठारे लिखुछन। यीशु से निकलने वाला उस सोता से पीने से हमारे जीवन में विनाश नहीं आएगा मृत्यु नहीं आएगा। जिसको ठारो बाहर थे बस इस स्रोत में पान कले अमर जीवन रे बिना सासी बना ही कि मृत्यु आसी बना ही। हमारे जीवन में मृत्यु नहीं आने के लिए इस जल से निकलने वाला चौथा अनुभव क्या है। अमर जीवन रे मृत्यु न आसी बानी मनते ए जल रे बाहर थे चतुर्थ अनुभव कौन। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसके 10 और 11 वचन को पढ़ने के समय में द वॉइस ऑफ गॉड is a warning ने तो चेतावनी है। प्रकाशित वाक्य प्रथम पर्व तार 10-11 पद पढ़ीबा समय परमेश्वर का स्वर कौन अटे देखिबा समय एहा गोटे चेतावनी होते। The voice of God is a warning और एक चेतावनी के रूप में दिखाई देता है। परमेश्वर का स्वर गोटे चेतावनी रूपे देखा जाऊ छी। Please read Revelation chapter 1 verse 10 and 11। प्रकाशित वाक्य प्रथम पर्व तार 10-11 पद मो प्रभु को दिन रे आत्मा रे अभिष्ट होई मोहर पश्चात रे तुरी शब्द परी गोटिए महास्वर एहा कहुथिबा सुनिली तंभे जहा दर्शन करू अछो तहा गोटिए पुस्तक रे लिपिबद्ध करी सप्त मंडली अर्थात एफिसो स्पुर्ना पर्गम थियोतिरा सार्थी फिलदेल्फिया ओ लाओदिकिया निकट को प्रेरण करो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के पवित्र नाम रे महिमा हेउ। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 10 एंड 11 अगर हम लोग पढ़ करके देखते हैं। प्रकाशित वाक्य प्रथम पर्व तार 10-11 पद जिते बेला में पढ़ी की देखो यहाँ पर परमेश्वर की आवाज
सात मंडली को वार्निंग नहीं तो चेतावनी देने के लिए यूहन्ना को सुनाई दिया। एठारे परमेश्वर स्वर सप्तम मंडली को चेतावनी दबा निमंत कहुथिबा यूहन्ना सुनिले। सो वी शुड हियर द वॉइस ऑफ गॉड। इन दिनों में हम परमेश्वर की आवाज सुनना चाहिए। एही दिन गुड़ी करे हमें परमेश्वर का स्वर सुनिबा दरकार। एंड व्हेन वी हियर द वॉइस ऑफ गॉड वी विल गेट वार्निंग फॉर आवर स्पिरिचुअल एडिफिकेशन। आउ जेते बड़े हमें परमेश्वर का सही स्वर को सुनो ता हमरे चेतावनी निमंते हमरे निष्ठा निमंते होई जाए। हमरे आत्मिक रो निष्ठा निमंते चेतावनी स्वरूप से वाणी हमारे साथ बातें करेगा। हमरे आत्मिक जीवन रो निष्ठा निमंते चेतावनी स्वरूप से वाणी कथा कहिबो। सो एवरी इंडिविजुअल वेदर इट इज अ वर्कर और अ बिलीवर कोई एक सेवक हो या विश्वासी हो प्रत्येक लोग इन दिनों में परमेश्वर की आवाज ऐसे वार्निंग ऐसे चेतावनी हम लोग सुनना चाहिए। सबको फोन तो के विश्वासी हो तो यही दिनों गुड़ी करे परमेश्वर का स्वर चेतावनी स्वर पे हमें सुनी बात। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम महिमा है। जब हम लोग कोलोसी की किताब उसके पहले अध्याय के 28 वचन को पढ़ते हैं जितने बड़े हमें कोलोसियो तर प्रथम पर्व 28 पद पढ़ते हैं तो पौलुस आत्मा में परिपूर्ण होकर के लिखने वाला एक वचन है वहां पर लिखा हुआ है। प्रेरित पौलो आत्मा रे परिपूर्ण ही लिखित हुआ वाक्य ठरे लिखा है। व्हाई वी नीड ए वार्निंग कहे कि हमको चेतावनी दरकार। क्यों हमको चेतावनी चाहिए कहे कि हमको चेतावनी दरकार। इन द न्यू टेस्टमेंट वी नीड ए वार्निंग सो दैट वी मे बिकम as perfect as Jesus। नूतन नियम रे हमको चेतावनी दरकार कारण हमें प्रभु जीशु को परि हेबार छ। हम लोग जिस प्रकार जैसा यीशु सिद्ध है वैसे सिद्ध बनने के लिए हमें एक वार्निंग एक चेतावनी चाहिए। जो प्रकार प्रभु जीशु सिद्ध सही प्रकार सिद्ध हेबा पाए हमको चेतावनी दरकार। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा हो। वार्निंग इज ए बेल एक आवाज है जो हमें खतरा का संकेत डेंजर का संकेत देता है। चेतावनी एक प्रकार गोटे घंटी रो शब्द जहां कि हमको आसुथवा विपद रो संकेत दिए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। मे बी सम टाइम दिस वार्निंग इज नॉट नेसेसरी फॉर एवरी पर्सन फॉर एवरीवन। हे पर केते को समय रे समस्त को पई सब विषय नि मते चेतावनी दरकार नहीं। हर जगह में हर किसी के लिए हर किसी को ये वार्निंग का शब्द सुनाई नहीं देगा। प्रत्येक समय प्रत्येक विषय नि मते प्रत्येक को ये शब्द सुभा जीव नहीं। बट इफ सम डेंजर इज देयर अगर कोई खतरा आपके सामने है खतरा अगर आने वाला है या कुछ गलती कर दिया जिससे आप खतरे में जाने वाले हो देन ये वार्निंग बेल आपको सुनाई देगा। किंतु यदि कोनसी विपद अछि बा विपद आसीबा को जाऊ अछि बा तमे इमिति किछि कार्य करलो जतरे विपद हेबा को जाऊ अछि सते बेले एक घंटी बाजिबो। सेम मैनर द वॉइस ऑफ गॉड एज ए वार्निंग सबको नहीं सुनाई देता है। सही प्रकार परमेश्वर का स्वर चेतावनी स्वर पे समस्त को सुभे नहीं। वो सबके लिए नहीं है। ता समस्त को पई नहि है। बट एक खास जिनके लोगों के लिए है जिनको यीशु ने प्रेम किया है जिनको यीशु ने अपना बनाया है जिनको यीशु अपना समझता है फॉर देम अगर कुछ गलती कर दे अगर कुछ भूल हो जाए तो इट विल कम एज अ वार्निंग। किंतु गोटे विशेष दल पाई जहाँ को जीशु प्रेम करती जहाँ को जीशु निजर करी अछने निजर मणु अछने समान को पाई से चेतावनी रो घंटी बाजे। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा हेउ। अगर हम लोग पहला कोरिन्थी की किताब को पढ़ करके देखे यदि हमें प्रथम कोरिन्थी को पढ़ के देखे इन फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 4 एंड वर्स 14 अगर आप पढ़ करके देखोगे प्रथम कोरिन्थियों 4 पर्व तार 14 पद यदि पढ़ के देखोगे फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 4 वर्स 14 पढ़ करके देखोगे तो इस बात को प्रेरित पौलुस क्लियर कर दे करके दे रहा है। प्रथम कोरिन्थियों 4 पर्व 14 पद यदि पढ़ के देखिबे तो एही विषय को प्रेरित पौलुस स्पष्ट करू अछंती। वार्निंग इज नॉट फॉर एवरीबॉडी बट फॉर द बिलोवड Sons of God. ऐ चेतावनी समस्त को पाई नहे किंतु परमेश्वर का प्रिय संतान मान को पाई। पढ़ेंगे प्लीज 4:14। 4 पर्वतार 14 पद मो तुम्भ मान को लज्जा दबा निमते एहि समस्त विषय लेखो नहीं किंतु मोहर प्रिय संतान बोली मने करी तुम्भ मान को चेतना दबा निमते एहि समस्त लेखो छ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 4 एंड वर्स 14 सो क्लियरली लिखा हुआ है। प्रथम कोरिन्थियन 4 पर्व 14 पद रे स्पष्ट रीति रे लिखा अछि मैं तुम लोगों को लज्जित करने के लिए अपमानित करने के लिए दंड देने के लिए नहीं लिखता नहीं बोलता। मो तुम्भ मान को लज्जा दबा निमते अपमानित करिबा निमते दंड But because I consider you as my beloved son of
किंतु मु तुम मन को निजर प्रिय मने करू थिबा हेतु मैं तुम लोग को प्रिय पुत्र करके मानता हूं मु तुम को निजर प्रिय पुत्र बोली मानो थिबा हेतु बिकॉज यू आर ए बिलेवड सन्स ऑफ गॉड जेतु कि तुम ईश्वर को प्रिय संतान अटो दैट्स व्हाई गॉड्स वार्निंग इज कमिंग टू यू तेनो परमेश्वर को चेतावनी तुम निकट को आसे इसी के लिए परमेश्वर की चेतावनी परमेश्वर की चेतना तुम लोग के पास आता है तेनो परमेश्वर को चेतावनी परमेश्वर को चेतना तुम निकट को आसे अगेन द रिस्पांस विल बी द शुड बी लाइक द सेम तार प्रतिक्रिया मध्ये सही प्रकार हुए इफ यू आर रियली ए सन्स ऑफ गॉड यदि आपण प्रकृतरे ईश्वरको संतान अगर आप सच में परमेश्वर संतान हो यदि आपण प्रकृतरे ईश्वरको संतान तो आप दैट वार्निंग को उस चेतावनी को ऐसे पॉजिटिव रीति में आप उसको लोगे एक सकारात्मक रीति में आप उसको लोगे आपण सही चेतावनी को गोटे सकारात्मक रीति रे ग्रहण करिवे बट इफ यू आर नॉट ए सन्स ऑफ गॉड और चाइल्ड ऑफ गॉड यदि आपण ईश्वरको संतान नहुंती अगर आप परमेश्वर की संतान नहीं हो यदि आपण ईश्वरको संतान नहुंती तो दैट वार्निंग विल बी ए ऑफेंस फॉर यू तबे सही चेतावनी तुम पे विघ्नर कारण हेबो हां वही चेतावनी आपके लिए एक ठोकर का कारण बन जाएगा सही चेतावनी तुम पे विघ्नर कारण हेबो सो परमेश्वर के प्रिय लोगो एग्जामिन योर लाइफ अपने जीवन को आप लोग परख करके देखो तेनो परमेश्वर को प्रिय लोगो निजे जीवन को निजे परीक्षा करके देखो जब परमेश्वर का वार्निंग आपके पास आता है जते बड़े परमेश्वर का चेतावनी तुम निकट को आसो सो आप उस वार्निंग को देख करके अपने जीवन को सजाते हो सुधारते हो या ये हमेशा मुझको डांटता रहता है ये हमेशा मुझे टोकता रहता है ये हमेशा मुझे ठोकता रहता है बोल करके आप बोलने वाले परमेश्वर को या परमेश्वर के सेवकों को या माता पिता को या अपने किसी भी चेतावनी देने वाले व्यक्ति को तुच्छ जानते हुए उसको छोड़ के चले जाते हो जेते बड़े अपन से परमेश्वर कर बा परमेश्वर देथिबा से दास मान कर बा पिता माता कर चेतावनी को सुनो अछंती तो एहा मोर जीवन निमते मते सुधराइबा निमते बोली को ग्रहण करू अछंती बा एहा मते सदा बड़े बाधा देउ अछि सदा बड़े अनुजग करू अछि मोर विघ्न रो कारण बोली को एको तुच्छ मनो अछंती आपके गाड़ी में एक वार्निंग बेल है तुम्हारा गाड़ी रे गोटे वार्निंग बेल अछि और वो वार्निंग बेल क्या है और सही वार्निंग बेल कोन जो लोग गाड़ी चलाते उनको मालूम होगा जो माने गाड़ी चलाउ छथि से माने जानी थिबे व्हाट इज द वार्निंग बेल इन योर व्हीकल्स तुम्हारा गाड़ी थिबा से वार्निंग बेल कोन है जोर से क्या है आपके गाड़ी में दिखाई देने वाला वार्निंग बेल आपण को गाड़ी रे देखा जातबा से चेतावनी घंटी कोन है इट्स नॉट टाटा पी पी कोको वो तो आप लोग का एंजॉयमेंट है ताहा तो आपण मान कर एंजॉयमेंट होते वार्निंग बेल इज अ रिजर्व पॉइंट वार्निंग बेल आपण को रिजर्व पॉइंट जैसी गाड़ी रिजर्व में होता है जेमती गाड़ी रिजर्व रे थाए आपका गाड़ी वार्निंग देने लगता है ब्लिंकिंग करने लगता है तुम्हारा गाड़ी वार्निंग देबा को लागे ब्लिंकिंग करे पेट्रोल खत्म 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 वार्निंग करता रहता है पेट्रोल सरी जीवो बोले वार्निंग दिए और अगर आपका माइंड उसको नहीं देखता यदि तुम्हारा माइंड ताहा को न देखे फिर क्या होगा तब रे कौन होगा धक्का मार धक्का मार धक्का मार धक्का मार फिर धक्का मारते रहते हैं धक्का मारो धक्का मारे थे वो नहीं परमेश्वर के नाम की महिमा होवे परमेश्वर का नाम रे महिमा है तो जब वार्निंग बेल बजता है इतने बड़े वार्निंग बेल बजे यू शुड बी अलर्ट टू सी दैट वेदर इट इज ए वार्निंग फॉर मी और नॉट असे वार्निंग बेल को देखिबा पे मैं अलर्ट रहिबा दरकार जे मो पे बाजू अछि कि नहीं स्टेशन में जाने के समय में स्टेशन जीवा समय रे स्टेशन में एक वार्निंग विसिल्स होता है आजकल स्टेशन आजकल वार्निंग विसिल थाए हां पहले के दिनों में नहीं होता था आजकल ज्यादा हो गया है अगर नथिला आजकल अधिक क्या है स्टेशन में वार्निंग विसिल स्टेशन रो से वार्निंग विसिल कोनो जैसे ही ट्रेन छूटने को है जेमिती ट्रेन जीवा को अच्छे सामने रेड लाइट ऑरेंज हो जाता है सामने रेड लाइट ऑरेंज हुए दैट रेड लाइट जैसी ऑरेंज हो जाता है और जेमिती रेड लाइट ऑरेंज हुए आप उसको देख करके वार्निंग समझ लेना चाहिए ट्रेन अभी छूटने को है तो मैं ताको देखे वार्निंग जाने दबा दरकार जी ट्रेन अभी पड़ाई बो बट बहुत सारे लोग हमारे विश्वासियों के समान है किन्तु अनेक लोग हमारे विश्वासी मानों को परी जो देख करके भी नहीं देखते हैं जो मैंने देखे की भी देखते नहीं देख करके भी नहीं समझते है देखे की भी बुझते नहीं और लोग बोलते हैं देखो लाल ऑरेंज हो गया बोल करके ताली बजाते हैं ताको देखो लाल ऑरेंज हो गला बोली ताली बजांती बट ये लाल ऑरेंज क्यों उनको समझ में नहीं आता है ये लाल काहे के ऑरेंज है ना बुझते नहीं ऑरेंज हो गया बोल करके खुशी मनाते हैं किंतु ऑरेंज हो गला बोली खुशी होती परमेश्वर के नाम की महिमा होवे परमेश्वर का नाम रे महिमा है इसी के लिए आजकल स्टेशन में
पीछे गार्ड्स और प्लेटफॉर्म में कुछ सिक्योरिटीज लोग विसिल्स को लेकर के बजाना शुरू किया है। तो आजकल से पछरे गार्ड और स्टेशन है किसी सिक्योरिटी गार्ड माने व्हिसिल मारबा आरंभ करे छ। वो लोग विसिल्स को बजाते हैं। सबने व्हिसिल बजानते। क्यों विसिल्स को बजाते हैं? है कि व्हिसिल बजानते। बोट टू ट्रेन, ट्रेन में चढ़ जाइए। ट्रेन रे बे चढ़ो। अगर आप उस व्हिसिल को सुनने के बाद भी अगर आप मस्ती कर रहे हो, गप्पे मार रहे हो, व्हिसिल सुनेला पर भी यदि मस्ती करो छ कथा है हो छ। फिर क्या होगा? तापर कौन हबो? फिर क्या होगा? तापर कौन हबो? देन यू हैव टू रन। दौड़ीबा को पड़ी। फिर आपको दौड़ना पड़ेगा। दौड़ीबा को पड़ी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम में महिमा है। पहले जब मैं रायगढ़ में सेवा कर रहा था, अगर जितने बड़े रायगढ़ में सेवा करो थी, नवरंगपुर में एक फैमिली लोग मुझको मिलने के लिए आया। नवरंगपुर गोटे परिवार मत मिसिबा को और दे। वो मिलने के वो क्या कहते हैं ट्रेन में उन लोग आए थे मिलने के लिए। मैंने ट्रेन आसे थे मिसिबा पाई। तो उस ट्रेन में जब वो लोग आ रहे थे, जितने ट्रेन मैंने आसो थे, तो वो संबलपुर के जाने वाला ट्रेन था। सही ट्रेन संबलपुर आड़ को जीवा ट्रेन। हम लोग भी उसको उस ट्रेन में संबलपुर के जा रहे थे। संबलपुर जाऊ थी। तो वो फैमिली आया बोल करके यहाँ पर सेवा करने वाले कुछ सिस्टर्स लोग भी उस फैमिली को मिलने के लिए गए थे। और से परिवार आसले बोले एठारे सेवा करथवा किछ सिस्टर माने मिसिबा को जाई थी। और सिस्टर्स लोग को तो मालूम है कि जब बातें करना शुरू करते तो भूल जाते कि लोग कौन से दुनिया में है। और आपण मन तो जानते जेते बड़े सिस्टर माने कथा कहबा आरंभ करते भूली जानते समाने क्यों दुनिया में। कभी कभी भूल जाते कि मीटिंग में बैठे हैं। बड़े बड़े भूली जानते जो सभा में। कभी कभी भूल जाते हैं कि गाड़ी में बैठे हैं। बड़े बड़े भूली जानते। कभी कभी भूल जाते हैं कि पास्टर रूम में घर में है। बड़े बड़े भूली जानते जो पास्टर। कभी कभी भूल जाते हैं कि ब्रदर भी यहाँ पर है। बड़े बड़े भूले जाते हैं। इतना चिल्ला चिल्ला करके हंस हंस के बाप ऐसा बातें करते हैं जैसे कि मानो कि उनको मालूम ही नहीं कि उन लोग कौन सी दुनिया में है। और इतने रोड़ी छड़ी छड़ी हंसी हंसी कथा हुआ जे जाना नहीं सबने क्यों दुनिया में। वो लोग भूल जाते हैं कि कई बार कि मैं सेवक वो भी भूल जाते हैं। अब सबने उन्हें को सबने भूल जाते जे मुगटे सेवक। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर को पवित्र नाम। तो ऐसे सिस्टर्स लोग बातें कर रहे थे। ये विश्वासी बहन भी बातें कर रही थी। एक प्रकार सिस्टर माने कथा हेउ थिले से विश्वासी भोनी कथा। हम लोग सब ट्रेन में चढ़ गए। हमारे समस्त ट्रेन में चढ़ी गए। और ये पूरा लास्ट में ये खड़े होकर के बातें कर रही है। हमारे पूरा लास्ट छिड़ा हुई कथा और ट्रेन छूट गया। और ट्रेन छुट्टी गला। ट्रेन छूटने के टाइम में ये सिस्टर बोलती है सिस्टर जी आपका ट्रेन छूट रहा है देखो। और ट्रेन जी बस सिस्टर को सिस्टर तुम्हारा ट्रेन पड़ा हुआ देखो। और उसके बाद ये विश्वासी बहन मुड़ करके देखी ट्रेन छूट गया। और तब विश्वासी फोन मुड़ी होना ट्रेन पड़ा हुआ। उनके घर के सारे लोग ट्रेन में। घर समस्त लोग हम लोग सब ट्रेन में। हमें समस्त और अकेले ही स्टेशन में जोड़े का स्टेशन। और उसके बाद दौड़ू छिमू ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू किया। तब ट्रेन धरे पे दौड़ी आरम्भ कर ले। परमेश्वर के नाम की उस समय उसका चेहरा देखने लगता। मैं देख रहा हूँ उसका चेहरा और वो दौड़ रही है ट्रेन के साथ रेसिंग। मैंने सोचा कि शायद सुपरमैन का पावर आ जाएगा ट्रेन के आगे निकल जाएगी। सही समय मुख देखी पड़ा मुख देखुरी से प्रकार दौड़ थी जो सुपरमैन पावर आसे विश्वास करोगे नहीं। उस दिन में वो लड़की जो दौड़ी उसका ठप ठप की आवाज आज भी मेरे कान में सुनाई देता है। आपने विश्वास करिबे नहीं। और सही दिनों से जो जोर दौड़ी ले दौड़ी वाला शब्द आज भी मो कान रे सुभे। क्योंकि उसका चेहरा ऐसे मतलब वो पीछे चढ़ सकती थी। जो पीछे का जो लोकल बोगी था उसमें वो चढ़ सकती थी। कारण से पछरे चढ़ी पारी था जो पछरे लोकल बोगी थी। लेकिन वो इतना डर गई सहम गई कि उसको नहीं मालूम कि क्या करना है। वो केवल मेरे को देख करके दौड़ रही है। ब्रदर कुछ करो मुझको नहीं मालूम वो दौड़ रही है। किन्तु से पूरा डरी जाई थी तेरे से दौड़ी बार हम कले मत देखी की जो ब्रदर किसी करो बोले कोई किसे दौड़ थी। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। थैंक्स गॉड फॉर द जो ट्रेन का जो बैक साइड गार्ड में रहते हैं उनका धन्यवाद हो कि उसने चेन को खींच करके गाड़ी को रोक दिया। अब बैक साइड जो गार्ड थी प्रभु का धन्यवाद हो से ट्रेन से चेन टाने गाड़ी अटकाई। आप में से कई लोग उस बहन को जानते मैं नाम नहीं बोलूंगा। अपन आने के से फोन को जाने थे मैं नाम को ही। तो प्रिय लोगों लाइफ के हर एक कोने में इस प्रकार एक वार्निंग हम लोग देखने पाते हैं। प्रिय लोग जीवन प्रत्येक क्षेत्र में एक प्रकार चेतावनी हमें देखो। अगर उस वार्निंग को मिलते अगर हम लोग सुधर जाए समझ जाए यदि से चेतावनी मिलुवा समय हमें सुधरी जीवा संभाली जीवा या समझ जाए बा बुझी जीवा तो परमेश्वर के प्रिय लोगों दैट वार्निंग इज गुड फॉर अस। तबे परमेश्वर को प्रिय लगे से चेतावनी हम पाए मंगल। बट अगर वो वार्निंग देने के समय अगर हम लापरवाही हो जाए या हम लोग उसको तुच्छे जाने या अपने आप को ओवर स्मार्ट समझे या अपनी बुद्धि का प्रयोग करे then that warning will be danger for you. किंतु से चेतावनी मिलिबा समय जदि हमें हेड़ा हेबा हमें तुच्छ करिबा निज को ओवर स्मार्ट भाबिबा निज को बेसी ज्ञान मणिबा तबे ता हम पाए विपद हमारे लिए विपत्ति होगा। हम पाए विपद। आज इस सुबह के वक्त में बाइबल में बहुत सारे वार्निंग्स है लेकिन मैं उसको 7 कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए आग्रह करता हूँ। आज सकल समय रे बाइबल रे अनेक चेतावनी तो अच्छी किंतु ताको सात भाग रे विभक्त करबा को चाहिए। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर को पवित्र नाम रे महिमा है। ये 7 वार्निंग्स जो अलग अलग संदर्भ में लोगों को मिला है। ए जो चेतावनी अलग अलग समय रे लोक मान को मिलिला उस समय में मिला वो वार्निंग उन लोगों के लिए था। सही समय रे मिली थी चेतावनी समान को पाई। बट बिकॉज़ इट इज रिटन इन आवर होली बाइबल जेहेतु की हमर पवित्र बाइबल रे लिखा चूंकि
हमारे पवित्र बाइबल में उल्लेख है कि हमारे पवित्र बाइबल में उल्लेख हो तो वो हरेक वाणी हमारे लिए भी है तबे से प्रत्येक चेतावनी हम पाई मध्य सो ये दिस सेवन वार्निंग्स ये सात वार्निंग जो है ए जो सात चेतावनी उसको सात रीति से हमारे लिए दिया जाता है के एंगल में मैं आज आपको बताने के लिए आग्रह करता हूं ताको सात टी रीति ने हम पाई दिया जब दृष्टिकोण रे मु दिखाईबा को चाहे दिस सेवन वार्निंग इज नॉट इन सेम वे या एक ही रीति से हमारे पास नहीं आता ए सात टी चेतावनी हम को सही समान रीति रे असे नहीं उनको जो भी कुछ मिला हो ताको जहां भी पुरातन नियम के लोगों को नए नियम के लोगों को उन दिनों में परमेश्वर ने जो वार्निंग दिया है पुरातन नियम लोके नूतन नियम लोके समान को प्रभु जहां भी चेतावनी दी थी उसको जैसे भी दिया हो और जो प्रकार बध दी थी उसको एक साइड रख करके ताको बड़े पार्सले रखे हमारे लिए अमो पाई वो जो वार्निंग दिया है जो चेतावनी दिया जाए किस प्रकार की शिक्षा देता है या उससे हम क्या सीख सकते हैं उस सात बातें को इन सेवन वार्निंग्स मैं आपको बताने के लिए आग्रह करता हूँ क्यों प्रकार शिक्षा दी हमें ताहाठारु कौन शिक्षा पाई परिवार ताहा मु सातटी विषय कहबा को चाहे परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे परमेश्वर के पवित्र नाम रे महिमा है इसके लिए कि समय कम है मैं जल्दी जल्दी इस बात को बताऊंगा और मैं इन सारी बातों को कहानी के भाव से बताऊंगा ताकि आपके मन मस्तिष्क में ये सारी चेतावनी रह जाए बैठ जाए जेत के समय अल्प तेणु मु शीघ्र शीघ्र कहबी और एहा को कहानी माध्यम रे कहबी जो प्रकार एहा आपन कर मन मस्तिष्क रे गंठी बांधी रही द फर्स्ट वार्निंग से हम लोग मिलने वाला शिक्षा द फर्स्ट वार्निंग जो है प्रथम चेतावनी जहाटर मिलथवा शिक्षा बा से प्रथम दैट इज वार्निंग टू कैन कैन को दिया हुआ वार्निंग से हम लोग देखेंगे प्रथम चेतावनी कैन को मिलथवा चेतावनी परमेश्वर के नाम की महिमा होवे परमेश्वर के नाम रे महिमा है हम लोग सब जानते हैं कि प्रथम मनुष्य आदम का प्रथम बेटा कैन हुआ हमें समस्त जानो प्रथम मनुष्य आदम के प्रथम पुत्र कैन हेले कैन के दो बेटे हुए एक का नाम कैन और दूसरे के नाम हाबेल था कैन के दुईटी पुत्र गोटे नाम कैन और जंग नाम हेबल समय के बीतने के बाद दोनों परमेश्वर के सम्मुख में भेंट लेकर के आया और समय बीतवा पर दुई जना प्रभु का सम्मुख रे नैवेद्य आनेले एक के भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया और दूसरे के भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया जनकर नैवेद्य प्रभु ग्रहण कले और जनकर अग्रह कले परमेश्वर के नाम की महिमा होवे परमेश्वर के नाम रे महिमा है भेंट नहीं करना That was a warning. नैवेद्य ग्रहण न करबा गोटे चेतावनी परमेश्वर के नाम की महिमा होवे परमेश्वर के नाम रे महिमा है भेंट नहीं ग्रहण करना एक वार्निंग था से नैवेद्य को ग्रहण न करबा गोटे चेतावनी इन जेनेसिस चैप्टर 4 1 टू 7 अगर आप पढ़ करके देखोगे यदि अपना आदि पुस्तक 4 पर्व 1 रु 7 पद पढ़ ध्यान से परमेश्वर के प्रिय लोगों सुनो बिकॉज़ हम लोग इस सब्जेक्ट में कई बार गलती कर बैठते हैं और उसके कारण हमें दंड का भुगतान करना पड़ता है या दंड भुगतना पड़ता है ध्यान दे परमेश्वर को प्रिय लेके सुनो तो कारण यही विषय में अनेक तरह भूल करो छो जा फल रे कि हमको दंड मिले ओ छी परमेश्वर के नाम की महिमा होवे परमेश्वर का पवित्र नाम परमेश्वर ने कैन का भेंट ग्रहण नहीं किया परमेश्वर कैन को नैवेद्य ग्रहण करले नहीं भेंट ग्रहण नहीं करना उसके लिए एक चेतावनी था से नैवेद्य ग्रहण न करबा कैन को पई चेतावनी थिला और ये बात कैन को समझ में शायद ना आया हो और यही विषय बोधे कोई ना को बुझा पड़े न थी इसी के लिए परमेश्वर ने मुंह खोल करके कैन से कहा तेरे परमेश्वर मुख खोली कोई ना को कोई कैन अगर तू भला करेगा तेरा भेंट भी ग्रहण किया जाएगा कोई ना यदि मैं उत्तम करी था तो तुम्हारे नैवेद्य भी ग्रहण करा जाई था परमेश्वर के नाम की महिमा होवे परमेश्वर के नाम रे महिमा लेकिन अगर तू भला ना करे तो देख पाप द्वार में खड़ा हुआ है किंतु यदि तुम सत्कर्म न करो तबे पाप द्वार रे छकी अछि परमेश्वर के प्रिय लोगो ध्यान से सुनते हुए आप लिखा हुआ पोर्शन को पढ़ करके देखो अगेन दिस मैसेज में भी ए वार्निंग फॉर सम ऑफ यू परमेश्वर को प्रिय लेके हम अपन माने ध्यान दे सुनंतु लिखित भाग को ध्यान दे पढ़ंतु बथे ए संदेश अपन को पे चेतावनी अटे और इस वार्निंग को सुनने के बावजूद भी अगर आप लापरवाह रहोगे देन यू मे You are not a son of God. आउ एही चेतावनी को सुनिला परे भी जदि आपण हेला भाबरे रहिबे तबे आपण ईश्वर को संतान न होन परमेश्वर के पवित्र नाम के महिमा होवे परमेश्वर के पवित्र नाम रे महिमा हो सो फर्स्ट वार्निंग इज फॉर कैन प्रथम चेतावनी कैन नंग पाई कैन को परमेश्वर ने वार्निंग दिया बाय नॉट रिसीविंग हिज ऑफरिंग परमेश्वर कैन को चेतावनी देले ताहकर नैवेद्य को ग्रहण न करी और उसके बाद आउ ता परे परमेश्वर ने कैन को बोल करके दिया बेटा कैन अगर तू भला करे तो क्या तेरा भेंट ग्रहण नहीं किया जाएगा परमेश्वर कोई ना को कहे कि देले जे पुत्र कोई ना यदि तुम सत्कर्म करिवो तबे कोन तुम नैवेद्य ग्रहण करा जीवन नहीं अगर तू भला ना करे तो देख पाप द्वार में खड़ा हुआ है और यदि तुम सत्कर्म न करो तबे पाप द्वार रे छकी अछि तो हम नए नियम में हम लोगों के लिए नूतन नियम रे अमो पाए मे बी सम टाइम्स कैन के साथ परमेश्वर ने जिससे बातें किया वैसे बातें नहीं करता हो हाँ कहते को समय परमेश्वर जो प्रकार कैन को सह कथा ले से प्रकार कथा है न थी बट फॉर द न्यू टेस्टमेंट हम लोग जो है नूतन नियम हमें माने हम लोग
कैन के उस घटना के द्वारा द वार्निंग ऑफ गॉड कैसे हो सकता है समझ लेना चाहिए। कोइनंको से घटित हुआ एक घटना द्वारा परमेश्वर को चेतावनी केमिति यह अटे हमें बुझीबा दरकार। हां परमेश्वर का वार्निंग कैसे आता है करके समझना चाहिए। परमेश्वर का चेतावनी के प्रकार आसे हमें बुझीबा दरकार। बाय रिजेक्टिंग अस बाय पनिशिंग अस बाय नॉट एक्सेप्टिंग अस कई बार परमेश्वर वार्निंग देता है। आमको तिरस्कार करिबा द्वारा आमको ग्रहण न करिबा द्वारा आमको दंड देबा द्वारा परमेश्वर आमको चेतावनी दियोन। परमेश्वर के बहुत नाम के महिमा होवे। परमेश्वर के पवित्र नाम रे महिमा हेउ। कई बार हम लोग परमेश्वर के सम्मुख में जाकर के अनेक समय रे हमें प्रभु के सम्मुख को कई बार सेवा में जाकर के अनेक समय रे सभा को जाए कई बार सेवा के लिए आगे बढ़कर के अनेक समय रे सभा पाए बोले आगे को हम लोग जब आगे बढ़ते हैं हमें जितने आगे को बढ़ो तो कई बार हमारे चलाने वाले सेवा में हमारे चलाने वाले सेवा रे हमको चढ़ाउथवा हमारे चढ़ा कई बार आपके चलाने वाले कितने को समय रे आपन को चढ़ाउथवा व्यक्ति आप अच्छे मन से आकर के देने से भी करने से भी तुम्हें भलो मन से देले भी कले भी हम दूसरों को प्रोत्साहन देते हैं दूसरों को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमें अन्य को प्रोत्साहन दे अन्य को ग्रहण करो किंतु अपनों को करो ना हो मैं भी कर सकता हूँ करके मैं पास्टर के पास जाऊँ दूसरा भी कर सकता है वो भी पास्टर के पास जाता है जाने भी करी पारी भी कोई पास्टर का निकट को आसे पास्टर मेरे को रिजेक्ट कर देता है पास्टर मते तिरस्कार करती और उसको एक्सेप्ट कर लेता है को ग्रहण करती और मैं क्या सोचता हूँ वो कौन भावे पॉलिटिक्स उसको ग्रहण किया क्योंकि उसको प्यार करता है ताको ग्रहण कले कारण ताको प्रेम करे मेरे को ग्रहण नहीं किया क्योंकि मेरे को नफरत करता मते है मते ग्रहण कले ने कारण मते घृणा करे ऐसे कितने ही बार मैं कुड़कुड़ाया आई कन्फेस एमिते अनेक थरे मु बचसा करिया छी मु स्वीकार करू परमेश्वर के नाम के महिमा होवे परमेश्वर के नाम रे महिमा कितने बार मैंने पास्टर के विरुद्ध में बातें किया अनेक समय मु पास्टर के विरुद्ध रे कहि अछि मेरे मां-बाप के विरुद्ध में भी मैंने बातें किया मो बाप बाप विरुद्ध रे भी मु कहि अछि मैं उन दिनों में नहीं समझता था सेई दिनों गुड़ी कर मु जानी नथि परमेश्वर के बहुत नाम के महिमा होवे परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ लेकिन कुछ दिनों के बाद इस सेवा में आने के कुछ सालों के बाद किसी दिन पर सेवा को आसवर किसी वर्ष पर परमेश्वर ने मुझसे बातें करने के टाइम मुझे बात को पता चला प्रभु कथा समय इट इज नॉट माय फादर और माय पेरेंट्स हु रिजेक्टेड मी पिता माता नहंती जे मते इट इज नॉट माय लीडर्स हु रिजेक्टेड मी हमर चालना करता नहंती जे मते तिरस्कार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज माय गॉड हु रिजेक्टेड मी तो के भाबे है कि परख के भाबे हमर परमेश्वर जे मते तिरस्कार मेरे परमेश्वर ने मुझे साइड किया है और प्रभु मते साइड करले इसलिए नहीं क्योंकि वो मुझे प्रेम नहीं करता एथि पे नहीं कि जैसे मते प्रेम करू ना अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कोरिंथियन चैप्टर 4 एंड वर्स 14 में हमने जिसे पढ़ करके देखा जो प्रकार में प्रथम कोरिंथियन 4 पर्व 14 रे पढ़ी के देखी परमेश्वर के प्रिय लोगों बिकॉज़ आई एम द बिलवर्ड ऑफ माय गॉड परमेश्वर मुझे चेतावनी देता है परमेश्वर का प्रिय लोगे जेहेतु कि मो मोर परमेश्वर का प्रिय अटे तेनु प्रभु मते चेतावनी दियो परमेश्वर के प्रिय लोगो आप लोग अपने जीवन को परख करके देखो परमेश्वर का प्रिय लोगे तुम्हें तुम जीवन परख करके देखो विद अ गुड अंडरस्टैंडिंग विद अ गुड माइंड आप कुछ सेवा करने के लिए आते हो हां आपन किछ भलो मन रे भलो विषय पे सेवा करबा को और आपके सामने और किसी को प्रोत्साहन नहीं तो और किसी को वो स्थान या वो मान मिलता है और आप मन में कुड़कुड़ाते रह जाते हो अपन को सब खरी अन्य जन को सही प्रोत्साहन बा सही मान बा सही विषय मिलो छ अपन बचसा करी रहो छ ऐसे जगह में इट इज ए वार्निंग फॉर अस जो हमसे परमेश्वर कह रहा है ये एक चेतावनी है समथिंग मोर गॉड इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम आवर लाइफ और सही प्रकार सही समय हम पे प्रभु कठारो किछ चेतावनी अटे जे प्रभु हम ठारो किछ अधिक चाहंती परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे परमेश्वर के पवित्र नाम रे महिमा हे सो द नेक्स्ट टाइम व्हेन गॉड इज रिजेक्टिंग यू और द लीडर्स आर रिजेक्टिंग यू और एनी पर्सन इज रिजेक्टिंग यू डोंट मर्मर बट एग्जामिन योर लाइफ तेनो आउथरे जेते बड़े परमेश्वर होंतु बा आपन को चलाइबा करता होंतु जेते आपन को तिरस्कार करंदे बचस्ता करंतु नहीं किंतु निजर जीवन को परीक्षा करी देखंतु क्यों मुझे उसने तुच्छ किया क्यों उसने मेरी नहीं सुना क्यों उसने मेरा प्रेस लॉर्ड नहीं लिया क्यों उसने मेरे को प्यार नहीं किया क्यों उसने मेरे को देख करके स्माइल नहीं किया क्यों उसने देख मेरे को देख करके प्रेम नहीं किया बोल करके हम लोग कुड़कुड़ करके नहीं रहना बट एग्जामिन योर लाइफ कि क्या मैं कहीं पर ऐसा कुछ काम किया जिससे वो या मैं इस बात के कारण रिजेक्टेड हो गया है से कहे कि बोते तुच्छ कले से कहे कि बोते अनाले नहीं से कहे कि मोरे प्रेज ग्रहण कले नहीं से कहे कि बोते देखिए हसले नहीं बचसा न करी से किबा मु कहे कि ए प्रकार तिरस्कृत हेली बोली निजो को परीक्षा करी देखो इन बाइबल वी कैन सी इन मेनी प्लेस गॉड वाज साइलेंस विद ए वार्निंग बाइबल रे हमें अनेक जगह रे देखु परमेश्वर चेतावनी से चुप हो जाय परमेश्वर के नाम की महिमा होवे परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ परमेश्वर के प्रिय लोगो बहुत सारे जगहों में
परमेश्वर अपने लोगों से बात ही नहीं किया। परमेश्वर अनेक जगह रे अपना लोक मांग से कथा होई नहंती। And that silence was a warning. और से चुप रहिबा चेतावनी। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा। That silence of God is having a message that you have done something wrong. परमेश्वर चुप रहिबा गोटे संदेश दिए जे तुम्हें किछ भूल करियो छ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के पवित्र नाम रे महिमा हो। ब्रदर तेज अभी वो पास्टर बन गया, पास्टर तेजो बोलकर के एक पास्टर है। पास्टर तेजो बोले गोटे पास्टर अछन। वो पास्टर तेजो का एक मैसेज है साइलेंस ऑफ गॉड। पास्टर तेजो को गोटे संदेश अछि साइलेंस ऑफ गॉड। उसने चार दिन इस मैसेज को दिया, यू विल गेट इन यूट्यूब। परमेश्वर को चुप रही संदेश गोटे चेतावनी अच्छी। एक एग्जांपल वहां पर वो पास्टर जी दे रहे हैं, उदाहरण से पास्टर देउछंती। फॉर लॉन्ग 13 इयर्स परमेश्वर अब्राहम से बात नहीं किया। दीर्घ 13 वर्ष प्रभु अब्राहम को सो कथा हेले ना। लॉन्ग 13 इयर्स परमेश्वर ने अब्राहम से बात नहीं की। दीर्घ 13 वर्ष परमेश्वर अब्राहम को सो कथा हेले ना। कब केते बेले? जब इश्माइल का जन्म हुआ। जेते बेले इश्माइल का जन्म है। इश्माइल के जन्म से लेकर के 13 साल तक परमेश्वर अब्राहम से बात नहीं किया। इश्माइल जन्म हेबारु 13 वर्ष जाए प्रभु कथा हेले ना। 13 साल के बाद परमेश्वर बातें करने के बाद इसहाक का जन्म हुआ। 13 वर्ष परे प्रभु कथा हला परे इसहाक जन्म है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर के पवित्र नाम रे महिमा है। अब्राहम सब कुछ छोड़ कर के आ गया। अब्राहम सब कुछ छड़ी कनान में आकर के पहुंच गया। कनान रे ऐसे पहुंचे ले। परमेश्वर की मर्जी कर रहा है, प्रभु कर इच्छा करु छंती। बट जब इश्माइल उसके जीवन में आया, परमेश्वर बातें करना बंद कर दी। किंतु जब इश्माइल तक जीवन रे आसीले प्रभु कथा बंद कर दी। इवन दैट साइलेंस दैट गॉड इज नॉट टॉकिंग विद हिम is a warning for him. ऐसे चुप रहे बस समय प्रभु कथा न हो बस समय मध्य तांको पे गोटे चेतावनी। So मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा because it is very long subject. मो अधिक वर्णन करबी नै, ए गोटे बहुत बड़ा विषय वस्तु। प्रिय परमेश्वर के लोगो, प्रिय परमेश्वर को लोके, लाइफ में सा कोई भी चीज हो जहां पर यू फील रिजेक्शन, जीवन रे ए प्रकार कोन से विषय हो जोठर आपण अनुभव करंती जे मो तिरस्कृत हेली, ये सेवक के द्वारा, वो सेवक के द्वारा, माँ के द्वारा, बाप के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, कोई भी किसी के द्वारा भी, इफ यू आर रिजेक्टेड, इंस्टेड ऑफ मर्मरिंग जस्ट एग्जामिन योर लाइफ। सबको द्वारा पिता द्वारा, माता द्वारा, परमेश्वर द्वारा, कहा द्वारा भी यदि आपण तिरस्कृत हेले तबे बचसा न करी आपण निज जीवन को परीक्षा करके देखंतु। कैन जब ये चेतावनी पाया, जेते बेले कोइन एही चेतावनी को पाई, सो सैड, दुख की बात है कि उस चेतावनी को उसने पॉजिटिवली नहीं लिया। दुख रे विशेष से चेतावनी को सकारात्मक रूप में ग्रहण कर लेना। एंड बिकॉज ऑफ दैट डिस्ट्रक्शन केम इन हिज लाइफ, विनाश उसके जीवन में आया। तेरोता को जीवन रे विनाश आसीला। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर के पवित्र नाम रे महिमा। ही वाज सो रिजेक्टेड, से तिरस्कृत हेले। वो इतना रिजेक्टेड हुआ कि उसे परमेश्वर के सम्मुख से भागना पड़ा और भागना पड़ा और वो जीवन सारा भगोड़ा बना। जीवन एक प्रकार तिरस्कृत हेबा को पड़ा जैसे प्रभु पलायन कले, पलायन कले प्रभु से पलायन कारी व्यक्ति हेले। इवन द सेम मैनर, अगर परमेश्वर आपको किसी बात में आपको तुच्छ करके, रिजेक्ट करके, आपकी नहीं सुन के, आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं देके, अगर आपको वार्निंग दे रहा है कि समथिंग इज लैकिंग इन यू, देन कम टू जीसस, डोंट रन अवे फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड। सेई प्रकार जदि परमेश्वर आपण को जीवन रे किछ विषय को सुनी देखाय आपण को चेतावनी देउ अछति तबे प्रभु को ठारु दूर को न पड़ाय जिसु को निकट को आसंतु। अगर आप आने के बजाय दूर भागोगे, एक बार भागोगे जीवन सारा भागते रहोगे। यदि आपण आसीबा बदले पढायन करिवे तो थरे पढायला पर जीवन जक केवल पढाउ थी। माय हंबल रिक्वेस्ट, मेरा नम्र निवेदन है हरेक विश्वासी और सेवकों से, मोर नम्र निवेदन प्रत्येक विश्वास सेवकों को, ध्यान से सुनो, नींद तोड़ के सुनो, ध्यान दे सुनो तो निद्रा भांगी सुनो तो, फॉर एनी रीजन नेवर लीव द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जे कौन से कारण पे हो ना काहे कि प्रभु को सम्मुख त्यागन तो नहीं। मेरे पर गुस्सा है, ओके, नो प्रॉब्लम, मो पर रागी अच्छे थे, ठीक अच्छे। आपका मेरे पर गुस्सा होना जायज है। तुम्हें मो पर रागी बा जायज होते। क्यों? Because I am not perfect. कारण मैं सिद्ध नहीं हूँ। मैं सिद्ध नहीं हूँ। मैं सिद्ध नहीं हूँ। Maybe I am a servant of God, but not perfect. मैं प्रभु को सब को होई पाए कि तू सिद्ध नहीं है। तो आपको आंखों की दृष्टि में मैं बोलने वाला, करने वाला,
सोचने वाला चलाने वाला कई रीति गलत हो सकता है। तो बोले चक्षु सामने मु कहो थिबा करू थिबा चढ़ाउ थिबा अनेक रीति भूल होई पारे। बट इसलिए आप प्रभु की उपस्थिति को छोड़कर के मत जाओ। तण एथि पई बोले प्रभु को सब को छाड़ी पड़ाओ ना। Because of that if you leave the presence of God यदि एथि पे अपन प्रभु को सबको को छाड़ी बे हो सकता है कि नेक्स्ट ब्रदर आएगा या नेक्स्ट कोई आएगा आप दोबारा आओगे। हे पर अन्य के आसीबो अन्य ब्रदर आसीबे तो मैं उतरे फिर आसीबो फिर कुछ बात होगा फिर जाओगे आओ कि छे अबो आओ पढ़ाईबो। ऐसे बार बार जाना आना करते रहोगे तो एक दिन परमेश्वर आपको कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। ए प्रकार बारंबार जीवा आसीबा करिबो तो गोटे दिन आसीबो प्रभाव केबे भी स्वीकार करिबे ना। नवरंगपुर में सेवा करने के समय में एक ऐसे ही फैमिली था कहानी बोलने उस प्रेम की कहानी को बोलने जाने से बहुत लंबी कहानी होगा। से प्रेम कहानी कहले बहुत लंबा बट उसके अंदर एक दुर्बलता था छोटी छोटी बातों में ठोकर खा लेता था छोटा छोटा कथा से बिगड़ छोटी छोटी बातों में निराश हो जाता छोटा छोटा कथा से निराश है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो परमेश्वर कुछ भी छोटी सी बात बोलने से तुरंत मन में दुखी होकर के और दो दिन मीटिंग नहीं आएगा। किसी गोटे छोटे कथा कहले भी संगे संगे दुखी थोए निराश कुछ बात को सुनने के बाद तुरंत मन में कष्ट होने से प्रार्थना छोड़ देगा। किसी गोटे विषय सुनले मन रे कष्ट रे प्रार्थना छोड़ देगा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो परमेश्वर के पवित्र नाम रे महिमा है। उसको वार्निंग दिया ब्रदर ऐसा नहीं करना तांगो चेतावनी दे कहे कुछ भी होने से भी बोल के बता के खत्म कर देना चाहिए जहां भी हेले कहे ता समाप्त करो। लेकिन प्रभु के सम्मुख को छोड़ करके नहीं जाना किंतु प्रभु को सम्मुख को छोड़ी जाओ आराधना छोड़ के नहीं जाना आराधना छोड़ी जाओ नहीं। वो बाद में फिर रोते हुए बहुत रोके आता रहता अच्छा नम्र विश्वासी है से भला नम्र विश्वासी से कांदे कांदे फेरनते परमेश्वर के नाम की महिमा हो परमेश्वर का नाम रे महिमा हो। यहां से रायगढ़ से ट्रांसफर करके पास्टर गुलाम वहां पर गए रायगढ़ ट्रांसफर पास्टर गुलाम से ठकु गले वो फैमिली पास्टर गुलाम का सबसे बिलवर्ड फैमिली बन गया। सही परिवार पास्टर गुलाम का सबसे प्रिय परिवार है। उनके गाड़ी को लेकर के जाता था नगर गाड़ी नहीं जाऊ उनके गाड़ी में घूमता था नगर गाड़ी में बुलू थी। पास्टर गुलाम बहुत प्रेम करते थे उस परिवार पास्टर गुलाम से परिवार को बहुत प्रेम करो थे। परमेश्वर के नाम की महिमा परमेश्वर का नाम रे महिमा है। एक दिन दिने उसका लड़का संडे स्कूल में आने के टाइम में तंगरे पिल्ला संडे स्कूल को आसीबा समय संडे मॉर्निंग से आराधना से पहले संडे स्कूल हो रहा था आराधना पूर्व संडे स्कूल हो थिला संडे मॉर्निंग संडे स्कूल में आने के टाइम में सकाळ संडे स्कूल आसीबा समय रे वो एक टाइट बनियन पहन करके आया से वो टाइट बनियन पहन थी आसीबा और उस बनियन में कितना उल्टा सीधा बातें लिखा हुआ था असे बने अनेक उल्टा सीधा कथा लिखा थिला एंड दैट फैमिली इज वेरी बिलवड टू पास्टर असे परिवार पास्टर का बहुत प्रिय परिवार। उस पास्टर ने उस बच्चे को बुला करके बोला से पास्टर से पिल्ला को डाकी कहिले बेटा पुओ ये बनियन यहाँ नहीं पहनना ए बनियन एठारे पिंधा नहीं इसको चेंज करके आ इसको चेंज करके आ बस इतना ही बोला केवल इतनी की कहिले और कभी भी पहन ले लेकिन संडे के दिन में आराधना में ऐसा बनियन नहीं पहनना आओ कभी भी पिंधो किंतु रविवार दिन आराधना रे ए प्रकार बनियन पिंधा नहीं इतनी सी बात है केवल इतनी की कथा। वो लड़का घर गया से पिला घर को गला और आज के दिन तक वो परिवार आया नहीं और आज जाए से परिवार असुनाहन परमेश्वर के नाम की महिमा हो परमेश्वर का नाम महिमा है। मेरे बेटे को तूने बनियन के लिए कैसे बोल दिया बोल करके पास्टर गुलाम को मारने के लिए आया वो गुंडा भेजा मोर पिला को बनियन पे तुम्हें केमिति कहले बोली पास्टर गुलाम को मारिबाने मते गुंडा पठाइले। सुप्रिय विश्वासी लोगों मैं आपको बताना चाहूंगा ये बार बार छोटी छोटी बातों में ठोकर खा करके चले जाना प्रेजेंस ऑफ गॉड को छोड़ के चले जाना इज अ स्पिरिट ऑफ यूदा इस्करियोता। वो एक दिन वो दो दिन वो तीन दिन यीशु आपको सहन करेगा बट लास्टली फाइनली आप उठ करके चले जाओगे देन जीसस विल नॉट लुक टू यू। प्रिय विश्वासी माने मु आपण मान को कहि दबा को चाहे ए प्रकार छोटे छोटे विषय रे बाधा पाए विघ्न पाए प्रभु को ठा पढ़ाईबा दिने जीव दो दिन जीव तीन दिन जीव ए इस्करियोत यीहुदार आत्मा प्रभु थरे दुई थरे ग्रहण करिवे किंतु पोरे थरे उठी पढ़ाईला पोरे आउ से ग्रहण करिवे नाही। लास्ट सफर में प्रभु भोज में जुदा इस्करियोत यीशु को छोड़ के चला गया यीशु ने उसको मुड़ के देखा सेसो प्रभु समरे के देखा यीहुदा पढ़ाईले ताको प्रभु यीशु मोड़ी ओनाईले ओनाईले नाही ओनाईले नाही। पत्रस को भूली के ओनाईले कि नहीं पितर को भूली के ओनाईले कि नहीं पत्रस को घूम के देखा पितर को भूली के ओनाईले कि नहीं देखा देखिले क्यों काहे कि बिकॉज़ दैट वाज द फर्स्ट मिस्टेक ऑफ पीटर कारण पितर का प्रथम भूल थिला बट जुदा इस्करियोता का दैट मिस्टेक वाज नॉट द फर्स्ट मिस्टेक किंतु इसको तो जुदा रा यह प्रथम भूल न थिला। सो डियर बिलीवर्स
Never leave the presence of God. तेरो प्रिय विश्वासी केबे भी प्रभु को सबुख छाड़ो नहीं। मेरे पर गुस्सा है, ओके। मोपरे रागी छंदे ठीक हो। आप आराधना में आओ। अपना आराधना को आसो। आराधना करो। आराधना करो। मेरा वचन सुनने के लिए इच्छा नहीं है, ओके। मेरे वाक्य सुनने पे इच्छा नहीं, ठीक हो। मेरे वचन बोलने से पहले आप उठ के चले जाओ। वाक्य कहे पूर्व उठी पड़ा। But don't leave the presence of God. कि तो प्रभु को सबुख छाड़ी जाओ नहीं। प्रभु के सम्मुख से भागोगे तो प्रभु को सबुख पलायन कले। You have to run. आपको जीवन सहारा भागना पड़े। अपन को जीवन जाको पलायन करबा को मेरे लिए होने से सही, किसी के लिए भी होने से कहानी देश में 7 साल का अकाल आया, जो ठहरे की मिस्र देश रे 7 वर्ष रे दुर्भिक्ष हैला। वो शायद जोसेफ को प्रमोशन करने के लिए होगा। हे परे ता जोसेफ को पदोन्नति दबा पाए। बट हु नोस बिफोर 7 इयर्स, किंतु के से 7 वर्ष पूर्व रे हा जानी थिला जोसेफ को ये प्रमोशन के लिए है करके जानने के लिए जोसेफ 14 साल 7 साल वहां पर इंतजार करके बैठना है। सपन के द्वारा, द्वितीय चेतावनी स्वप्न द्वारा। सो राइट इट डाउन, द सेकंड वार्निंग फॉर अस इज मे बी बाय ड्रीम्स। कुछ सपन के द्वारा परमेश्वर हमको चेतावनी देगा। यह लिखी रखो तो जी किसी किसी स्वप्न द्वारा परमेश्वर हमको चेतावनी दियो। सो वन फाइन नाइट फॉरो सो ए गुड ड्रीम। और दिने फारो गोटे स्वप्न देखिले। क्या स्वप्न देखा? कौन स्वप्न देखिले? एक साथ मोटे मोटे बड़े बड़े हष्ट पुष्ट गाय नदी से बाहर निकला। नदी रुसातटी बड़ा बड़ा हृष्ट पृष्ट मोटा मोटा गाय बाहरी। सपने में क्या देखा? से सपने रे कौन देखी ले? वो गाय बाहर निकल करके आने के समय में, से गाय बाहरी आसीबा समय रे, उसके पीछे और एक साथ दुबले पतले कमजोर गाय नदी से बाहर निकला। तगो पछरे आउरी सातटी दुर्बल निर्बल पूरा गाय तब बसे नदी रे बाहरी ले। और ये दुर्बल हड्डी का ढांचा कंकाल के समान दिखाई देने वाले गाय ने क्या किया? और ए निर्बल दुर्बल पूरा से अस्थिर छांतर देखा जाता ए गाय गुड़ी को कौन कले? क्या किया? कौन कले? मोटे मोटे गाय को खा लिया। मोटा मोटा गाय को खाई देले। ये गाय दूसरे गाय को खा लिया, ये बात को समझ में नहीं आया। ए दुर्बल गाय मोटा गाय को खाई देले ए विषय किसी बुझा पड़ी ना। वो सपन को देख करके परेशान, सही सपन को देखी चिंतित। ये सपने का अर्थ क्या समझ में नहीं आए? ये सपन का अर्थ कर से बुझले नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। अर्थ को समझाने वाला जोसेफ वहाँ पर दिखाई दिया। अर्थ को बुझाई बा जोसेफ देखा गया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर का नाम रे महिमा है। परमेश्वर के प्रिय लोगो, उत्पत्ति की किताब का 41 चैप्टर घर में पढ़ करके देखिएगा। आदि पुस्तक 1:4 से पर्व घर पढ़ के देखो। हाँ, अभी पढ़ने के लिए समय नहीं है, समय हो गया। अभी पढ़ी बार समय ने समय हो गया। जेनेसिस 41 चैप्टर में कहानी लिखा हुआ है। आदि पुस्तक 1:4 पर्व एक कहानी लिखा हुआ। थैंक्स गॉड, वहाँ पर जोसेफ था। परमेश्वर का धन्यवाद है, एठारे जोसेफ थिले। जब जोसेफ उस सपन को देखा, उस सपन का अर्थ बता करके दिए। जब जोसेफ ए सपन विषय सुने ले अर्थ कहे की देले। उस सपन में क्या है? ए सपन रे कौन अच्छी? 7 मोटा मोटा गाय बोलने का मतलब 7 इयर्स ऑफ प्लेंटीनेस, 7 ईयर बहुतायत आपके देश में धन और धान्य होगा। और 7 वर्ष 7 दिन से मोटा मोटा गाय रो अर्थ 7 वर्ष देश रे से उत्तम शस्य हेबो। हां, बहुत उपजाऊ होगा, बहुत फल होगा, बहुत फल फलेबो, बहुत उपजाऊ हेबो। बट उस 7 साल के बाद 7 सूखा हुआ गाय का मीनिंग 7 साल का बड़ा भयंकर अकाल आने जा रहा। किंतु तहां पर देखा जाता बस 7 दिन से पतला गाय 7 वर्ष रो दुर्भिक्ष देखा। और आप लोगों को कहानी मालूम है कि किस रीति से जोसेफ उस वार्निंग को बहुत ही सुंदर रीति से हैंडलिंग किया। अपन मन को एक कहानी जाना जे क्यों रीति रे जोसेफ अति सुंदर रीति रे से चेतावनी को हैंडलिंग किया। परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा उस वार्निंग को जोसेफ ने हैंडल किया। इसी कारण से ना केवल मिस्र देश, आसपास के कई देश उससे उपयोगी हुए, नहीं तो आशीष को प्राप्त किए। परमेश्वर का अनुग्रह द्वारा सही चेतावनी को उत्तम रूप से व्यवहार करी थी बाहे तो केवल मिस्र देश ने आखपाकर अनेकों देश तो यह द्वारा लाभ प्राप्त है। उसी प्रकार परमेश्वर
कईयों के साथ स्वप्न में वार्निंग से बातें करता है। एक प्रकार परमेश्वर अनेकों को स्वप्न रे चेतावनी दे कथा कहंती। कई प्रकार की आपकी बातों को परमेश्वर स्वप्न में बता करके देता है। अनेक तुम विषय को प्रभु चेतावनी स्वप्न रे दे कहंती। बट आप में से कई लोग उस स्वप्न को रात को देखते हैं और सुबह भूल जाते हैं। किंतु तुम मन को मधुर अनेक रात रे से स्वप्न देखंती सकाळे भूली जाते। कई लोग उस वार्निंग को रात में देखते हैं और सुबह उसको याद करना नहीं चाहते हैं। केते लोग सही चेतावनी रात रे देखंती और सकाळे मने पकाई बा। कई लोग बोलते हैं कि मैंने रात में एक भयंकर गंदा सपना देखा एंड आई डोंट वांट टू रिमेंबर दैट, बोल करके आप उसको अपने मन से निकालना चाहते हैं। और कई लोग कहते रात रे बहुत बहुत भयंकर से गंदा सपना देख रहे ताको मने पकाई बा को चाहे नहीं बोली कोई मनरु काढी बा को चाहंती। बट थैंक्स गॉड इन दिस चर्च इवन कुछ बिलीवर्स है जो रात में सपना देखने के बाद मन में परेशानी होने के बाद आकर के पूछते हैं, ब्रदर मैंने एक सपना देखा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, क्योंकि मेरा मन व्याकुल हो उठा है। किंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो ए मन रे अनेक अछले जो माने सपना देखते और सपना देखि से माने चिंताग्रस्त हला परे आसी पचारो दे जे ब्रदर ए प्रकार में सपना देखिले यार अर्थ कोन। परमेश्वर के पवित्र नाम के महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब परमेश्वर आपको स्वप्न के द्वारा वार्निंग देता है, क्या आप उस वार्निंग को समझ पाते हो? परमेश्वर का प्रिय लोग, जितने बड़े परमेश्वर आप लोगों को स्वप्न द्वारा चेतावनी दे उछंती अपना से चेतावनी बुझी छंती। आप लोग विश्वास करोगे नहीं करोगे मेरे को नहीं मालूम। आप लोग विश्वास करेंगे कि नहीं मत जाना नहीं, क्योंकि जब मैंने सुना तो मेरे को भी विश्वास नहीं हुआ। कारण जितने बड़े मुसफड़ी ली मत भी विश्वास लगेला नहीं। बैंगलोर फेतुम में, बैंगलोर फेतुम रे जहाँ पर जोस गिलबर्ट मीटिंग चलाता है या वहाँ पर सेवा करता था, जोस गिलबर्ट सभा करू थिले, वहाँ पर एक विश्वासी है, सेठे बड़े विश्वासी थिले। जो विश्वासी के जीवन में हमेशा दूसरों की गलती को ढूंढने का एक स्वभाव था, जाके विश्वासी मानों को सदा बड़े अन्य विश्वासी मान को भूल खोजे बस स्वभाव थिला। कौन आत्मा में कैसे भर रहा है, की आत्मा की मिति भरू अच्छी, कौन कैसा कपड़ा पहन के आया है, वस्त्र पहन के आया है, कौन मीटिंग में क्या कर रहा है, ये सभा रे कौन करू, कौन कितने बजे आया है, कितने बड़े आसु, वो केवल घूम के पलट के इधर होकर केवल गलती देखता रहता है, बुली 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 कपड़ा सब भूल कोई दखंती। एक दिन वही विश्वासी, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, प्रभु का नाम रे महिमा हो। ये पर्टिकुलर बिलीवर जो हमेशा दूसरों की कमी घटी को देखता है, ये जो विश्वासी जी की सदा बड़े अन्य भूल दोष दुर्बलता देखंती। एक रात में उसने एक स्वप्न देखा, दिन रात से गोटे स्वप्न देखी। उस सपने में वो क्या देखा, सपन से कौन देखी, एक आराधना हो रहा है, आराधना है, एक आराधना होने के समय में आराधना है, सब लोग आत्मा में भर रहे हैं, समस्त आत्मा भर। उसी समय में एक विश्वासी, एक नया आत्मा मीटिंग हॉल के पीछे से निकल करके सामने आ गया। और सही समय गोटे नुआ आत्मा से सभा रूप सामना को आसिला। उसका कपड़ा देखने से एकदम गंदा कपड़ा है, तार वस्त्र देखिबा समय पर मैला, एक हल्का नीला कपड़ा का कलर का शर्ट पहना हुआ है, हल्का नीला नीला रंग वस्त्र शर्ट पहनी और वो भी पूरा गंदा है और ता भी पूरा मैला, लेकिन वो प्रभु में आत्मा में भर के आत्मा में भर करके खुशी मनाते मनाते आगे आ गया है। प्रभु आत्मा ने आनंदित हो आगे को पढ़ाई आसिले। और ये जो विश्वासी जो हमेशा सबकी गलती देखता रहता है, और ये जो विश्वासी जी की सदा बड़े भूल, वो आंख खोल कर किस व्यक्ति को देख रहा है, चक्षु खोले यही व्यक्ति को देखो, कैसा आदमी कैसा आत्मा में भर रहा करके बोल रहा है, देखो केमेदी व्यक्ति केमती आत्मा में भर छ बोल करके कई प्रकार की कंप्लेंट को वो कर रहा है, इस प्रकार कोई कुड़कुड़ा रहा है, अनेक प्रकार कथा कोई बचसा कर। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा, परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, अल्प समय पर कौन है ये सपने में देख रहा है, ये व्यक्ति सपने में देखो, यीशु का आगमन हो गया, जिसे कर आगमन हो गया, आगमन होने के समय सब लोग चला गया, आगमन है बस समस्त पढ़ाई ने, वो जिस इस आदमी को देख करके जो गंदा कपड़ा पहन करके परमेश्वर की आत्मा आराधना कर वो भी चला गया, और ये जो व्यक्ति मैला वस्त्र पहने प्रभु का आराधना कर छथि से भी पढ़ाई ले। लेकिन ये जो कंप्लेंट करके दूसरों के जीवन को देखता रहता है, ये ऐसा है वो ऐसा है वो ऐसा करता है ये ऐसा करता है करके देखने वाला व्यक्ति आगमन में नहीं गया। किंतु ये जो व्यक्ति अन्य मार्ग जीवन को देखे अभिजोग कर छथि जे एमिति से सेमिति से आगमन को जाई ना, ये सपना देखने के बाद सपना देखिला परमेश्वर के प्रिय लोगों, रविवार के दिन सुबह-सुबह मीटिंग में जाने से पहले ये सपना देख बोल करके ब्रदर के पास ये व्यक्ति ने गलती का क्या इकरार किया, क्षमा मांगा, मैं अभी कभी भी दूसरों की गलती को नहीं देखूंगा। रविवार आराधना को जाए आराधना बस पूर्व ब्रदर को निकट को जाए सपन विषय कोई से स्वीकार करी क्षमा मांगे भी अन्य दोष दुर्बलता देखी भी नहीं। अगले वो संडे आराधना शुरू हुआ, सही रविवार आराधना आरंभ हैला, पता है क्या हुआ, जानती कौन हैला, उस दिन आराधना में सेम वही ड्रेस में वही प्रकार के कपड़े में वही आदमी आत्मा में भर के आराधना करके सामने खड़ा हो गया, जोश का पसीना निकल गया, आज प्रभु आने वाला है क्या बोल करके डर के हमारे थर थर आ रहे हो। सही दिन सही आराधना रे सही प्रकार सही व्यक्ति सही प्रकार वस्त्र पहने आत्मा ने आनंद करू करू से त्याग को पढ़ाई और सही दिन जोश एक प्रकार भाभी आगमन आज है जीवन। सोच करके देखो जो सपना एक दिन पहले देखा मीटिंग से पहले वो आदमी बता करके रो के डर के मारे रो के बोल रहा है, वही घटना अगर
आराधना कैसा लगेगा वो ठीक है भाभी की देखो तो जे स्वप्न गोटे रात पूर्व रे जणे देखि चंदे सभा आगर आसे स्वीकार करी कहि चंदे ता घटी गला जनवरी में लागिबो जनवरी महीने में बॉम्बे कन्वेंशन जाने के टाइम जोस में से शेयर किया ये बात और जनवरी मास रे बॉम्बे कन्वेंशन जीवा समय रे एही विषय से मस कथा कर समटाइम्स थ्रू ड्रीम्स God used to warn us. केते को समय रे प्रभु स्वप्न द्वारा हमको चेतावनी दियो परमेश्वर के प्रिय लोगो इसके लिए हम लोग परमेश्वर के वार्निंग को देकर के तुच्छ नहीं जानना तेरे परमेश्वर को प्रिय लगे प्रभु को चेतावनी को हमें तुच्छ न मानो नाउ द थर्ड वार्निंग समय नहीं जल्दी आगे बढ़ता हूं एबे समय नहीं शीघ्र बढ़ेगा तृतीय चेतावनी द थर्ड वार्निंग इज टू बेलशस्सर बेलशस्सर राजा को दिया है तृतीय चेतावनी राजा बेलशस्सर को मिल रहा परमेश्वर के नाम की महिमा होवे परमेश्वर के नाम रे महिमा है कौन है बेलशस्सर ए बेलशस्सर की बेलशस्सर नबुकदनेस्सर राजा का बेटा है बेलशस्सर नबुकदनेस्सर राजा का पुओ ये बेलशस्सर कौन है ए बेलशस्सर किए बाबुल का राजा होकर के दिखाई दिया बाबिल रो राजा हां परमेश्वर के नाम की महिमा होवे परमेश्वर के नाम रे महिमा ये बाबुल का राजा ए बाबिल रो राजा एक दिन परमेश्वर के भवन से लाए हुआ पात्र को लेकर के दाख मधु डाल करके उसको पी रहे दिने परमेश्वर को मंदिर रो आनिथिबा से पात्र गुडी को नै से द्राक्षा रस पकाई पान को परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे परमेश्वर के पवित्र नाम रे महिमा उस दाख मधु लाकर के पीने के समय में से द्राक्षा रस पकाई पीबा समय रे परमेश्वर के प्रिय लोगो एक उंगली आकर के दीवार में लिखना शुरू किया परमेश्वर का प्रिय लोके गोटे अंगूठी आसी कांथ रे लिखिबा आरंभ कला एक उंगली प्रकट हुआ गोटे अंगूठी प्रकट हैला राजा के सामने राजा को सम्मुख रे दीवार में कुछ लिखने लगा कांथ रे किछि लिखिबा को लागिला आप सोच करके देखो कैसा लगेगा तो बेटे के भाभी देखो केमती लागिबो आप बड़ा मजा मस्ती पार्टी भाटी कर रहे हैं पूरा मजा मस्ती पार्टी करू छंती और दीवार में एक उंगली आया गोटे अंगूठी आसीला और वो लिख रहा है कांथ रे लिखुछि हाथ नहीं दिख रहा हाथ तो देखा जाओ ना बॉडी नहीं दिख रहा शरीर देखा जाओ केवल उंगली दीवार में लिख रहा है तो गोटे अंगूठी लिखुछि कैसा लगेगा केमिति लागिबो आप में से तो कई लोग भूत भूत बोल के चिल्लाना शुरू कर देंगे तो मन को मधुर अनेक तो भूत भूत बोली रड़ी छड़ी आरंभ कर बेलशस्सर राजा के साथ भी ऐसे ही हुआ बेलशस्सर राजा भी एमिति हले वहां पर लिखा हुआ मैंने मैंने तकिल उपासिन सेठरे लिखा थिला मिने मिने तो केल पारसी परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो परमेश्वर के पवित्र नाम रे महिमा है दानिय्येल का किताब 5 अध्याय में पढ़ करके देखिए दानिय्येल 5 पर्व पढ़ के देखो दानिय्येल की किताब 5 अध्याय में पढ़ करके देखिएगा दानिय्येल 5 पर्व पढ़ के देखो ये कहानी वहां पर मिलेगा ये कहानी एठारे मिली परमेश्वर के नाम की महिमा हो परमेश्वर के नाम रे महिमा है दानिय्येल की किताब 5 अध्याय में लिखा मैंने मैंने तकेल उपासिन दानिय्येल 5 पर्व में लिखा छ मैंने मैंने तकेल उपासिन तुरंत दानिय्येल को बुलाया संगे संगे दानिय्येल को डका गया दानिय्येल आकर के उसको देख करके पढ़ करके बोला दानिय्येल ऐसे को देखी पढ़ी की कही मैंने मैंने तकेल उपासिन का अर्थ क्या है मैंने मैंने तकेल उपासिन अर्थ कौन उसका अर्थ है हे राजा परमेश्वर ने तेरे जीवन को तराजू में तोल करके देखा और कम पाया इसलिए राज्य तुझसे छीन लिया जाएगा हे राजा परमेश्वर तुमको सही तराजू रे ओजन कर देखी छ और तुम्हें उना देखा गलो तेरो तुम्हारा राज्य तुम ठहर निया जीव हां निकिता निकिता तराजू में उसको तोल करके देखा कम पाया राज्य छीन लिया जाएगा नहीं कितने तुमको ओजन करे देखी अच्छे थे तुम्हें उना देखा गलो तो तुम ठहर राज्य नहीं आज उस समय में सही समय रे दानियल ने एक और बात बेलशस्सर राजा को बोला दानियल आउ गोटे विषय बेलशस्सर राजा को कहिले क्या बोला कौन कहिले तेरा पिता तुम्हारा पिता बेलशस्सर का पिता कौन है बेलशस्सर पिता किए नबुकदनेस्सर नबुकदनेस्सर तेरा पिता तुम्हारा पिता घमंड करके गर्व करी अहंकार में फूल के अहंकार फूली अहंकार में फूल के अहंकार फूली ये बनाया हुआ बाबिलोन मेरा नहीं है क्या एक अर्थ बाबिल मोहर नहीं क्या मैंने ये बाबिलोन नहीं बनाया क्या वो ये बाबिल करी नहीं की घमंड करने के समय में गर्व करीबा समय रे परमेश्वर ने क्या किया परमेश्वर कौन कले उसको उसी क्षण पागल कर दिया परमेश्वर ताको सही समय रे पागल कर दिया उसी क्षण वो पागल हो गया इनसेन हो गया पागल हो गया सही समय से पागल हो गले पागल हो के क्या कर रहा है पागल हो के कौन कर जैसे आप लोग देखते रोड में नंगा घूमते हैं जब अपना रोड है देखो तो उलंग बुलंती गंदगी में बैठते हैं से गंधेरे बसंती गंदा खाते हैं गंधिया खाती वैसे ही ये राजा बन गया सही प्रकार यही राजा हो बाइबल में लिखा हुआ है वो जमीन में रहने लगा बाइबल लिखा जैसे जमीन में रहने लगा नाखून बढ़ गया नख बढ़ी बाको लगा बाल बढ़ गया कितनी बड़ी गला पक्षियों के समान जानवरों के समान दिखाई दे रहा है पशु पक्षी परी दिखा और दानियल बेलशस्सर को बोलता है और दानियल राजा बेलशस्सर को कहो छो क्या ये सारी बातें तेरे को मालूम नहीं था क्या कौन इस समस्त विषय तुम्हें जाने ना हो कि फिर भी तूने अहंकार किया तथापि तुम्हें अहंकार परमेश्वर के मंदिर के पात्र को लेकर के तूने उसे अशुद्ध किया परमेश्वर के मंदिर को मंदिर पात्र को आने तुम्हें अशुचि कर लो यहाँ पर
इस दानियल की बातों से वार्निंग क्या है? एठरे ए दानियल कहि थबा बिसरु चेतावनी वार्निंग इज नॉट मेने मेने तकेल उपारसिन चेतावनी एहन होय जे मेने मेने तकेल उपारसिन दैट वाज द लास्ट वार्निंग दैट इज अ जजमेंट इट्स नॉट अ वार्निंग इट्स अ जजमेंट ता से चेतावनी नय ता विचार होय गनी मेने मेने तकेल उपारसिन इज नॉट वार्निंग इट इज अ जजमेंट मेने मेने तकेल उपारसिन एहा चेतावनी नय किंतु विचार होय सर क्यों पता है काहे की जानंती मेने मेने तकेल उपारसिन का अर्थ बेलशस्सर जो सुनने के नेक्स्ट सेकंड में मादी फारसी आकर के राज्य को नाश कर दिया मिने मिने तकल उपासन अर्थ राजा सुनिबा सांगे सांगे ही बाद्य पारसी को राजा एक दिन के बाद नहीं दो दिन के बाद नहीं एक महीने के बाद नहीं विद इन दैट मोमेंट मादी फारसी राज्य आकर के बाबिलोन राज्य को समाप्त कर दिया दिने दुई दिन बा मासे परे नय कि तो सही समय रे मादी पारसी को राजा आसे ताको बध कले इन दैट केस सही से एक घटना रे बेलशस्सर राजा को वार्निंग कब मिला बेलशस्सर राजा को चेतावनी केते बले मिली ला उसके पिता को मिला वो जो दंड है ताकर पिता को मिली थी दंड दैट वाज द वार्निंग फॉर बेलशस्सर ता बेलशस्सर राजा को पाई बोली चेतावनी वही पांच अध्याय में दानियल बता करके दे रहा है ता पांच पर्व में दानियल को हो छन परमेश्वर के नाम की महिमा हो परमेश्वर के नाम रे महिमा तेरा पिता को मिला हुआ बात को देख करके तू इस बात को नहीं समझा क्या तुम्हारे पिता को सब घटित हुआ विषय को देखी तुम्हें यह बुझिलो नहीं कि सो इससे हमको क्या समझ में आता है इधर हमको कौन बुझा पड़े समटाइम्स कितने को समय रे वार्निंग परमेश्वर को कैसे देता है प्रभु हमको चेतावनी केमिति दियो और किसी के जीवन में घटना दिखा करके देता है अहो का जीवन रे घटित हुआ घटना को दिखाई डायरेक्ट शायद हमको नहीं बताएगा बथे सीधा सड़क को हमको कहिबे नहीं ओ किसी के साथ घटना होगा कि तो आओ का से तो घटी थीबो थ्रू दैट गॉड विल गिव यू अ वार्निंग समझ जा तू भी उस जगह में हो सकता है कहा द्वारा परमेश्वर अपन को चेतावनी दे कोई भी जब बुझे जाओ तुम्हें भी सही स्थान में रह पारो समझ जाओ तू भी इस जगह में मार खा सकता है जानी जाओ जी तुम्हें भी सही पत्थरे मारो खाई पारो तेरे साथ तेरे सामने तेरे साथ तेरे जाने वाले का दोस्त का एक्सीडेंट होता है तुमो सहित तुमो सांगरे जाथवा तुमरो गोटे सांगरे एक्सीडेंट हेवो तुरंत परमेश्वर तुमको वार्निंग दे रहा है तेरा भी हो सकता था संगे संगे प्रभु तुमको चेतावनी देवो छि तुमरो होई थे जीवन को करेक्ट करो तनो निज जीवन को सजाड़ो हमारे मिशन में एक ब्रदर था हमारा मिशन में एक ब्रदर थिले उसका नाम ब्रदर जोस फिलिप है तांको नाम ब्रदर जोस फिलिप बचपन से टीपीएम का बिलीवर है पिला दिनो टीपीएम रे विश्वासी परमेश्वर के नाम की महिमा होवे परमेश्वर के नाम रे महिमा होवे उसका पापा उसका मम्मी एक अच्छा बिलीवर है तांको पिता माता तुम विश्वासी और ये एक नंबर का अच्छा राउडी है और एक नंबर भल्ला राउडी रेवेंशा कॉलेज में एक नंबर का राउडी है ये रेवेंशा कॉलेज में एक नंबर राउडी ब्रेन बोलने से हम लोग पास्टर एमटी थॉमस अभी जो चीफ पास्टर बोलता है टीपीएम का चलता फिरता कंप्यूटर बोलने से जो फिलिप पास्टर एमटी थॉमस एबे जी हमर चीफ पास्टर से कहंती और से कंप्यूटर होचंती टीपीएम का चलता फिरता कंप्यूटर टीपीएम रे चला बुला करथवा कंप्यूटर कोई भी सब्जेक्ट में जे कोन से विषय हो वो साइंटिफिक हो हिस्ट्री हो कोई भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछो जो फिलिप के पास आंसर है ता साइंटिफिक हो कि हिस्ट्री हो जे कोन से प्रश्न पचारो तो जस फिलिप को पाखरे उत्तर अछि भयंकर इंटेलिजेंट भयंकर इंटेलिजेंट भयंकर इंटेलिजेंट परमेश्वर के नाम की महिमा हो प्रभु के नाम रे महिमा है एक्स्ट्रा ब्रेन था उसका एक्स्ट्रा ब्रेन ताकर थिला लेकिन बचपन से ही वो एक नंबर का दुष्ट था कि पिला दिन से एक नंबर दुष्ट पढ़ने में नंबर वन है पढ़ी बारे में एक नंबर वन पूरा साल भर पढ़ाई नहीं करता था एग्जाम में फर्स्ट आता था बस वर्ष तक न पढ़े ले भी एग्जाम में प्रथम आसुत परमेश्वर के नाम की महिमा हो रेवेंशा कॉलेज में पढ़ाई करने के समय में ये आगे पुलिस पीछे रेवेंशा कॉलेज में पढ़ी बस ये आगे पुलिस पछरे इतना दुष्ट इतना पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व था से इतने दुष्ट पॉलिटिक्स से इतने सेवक लोग के घर में विजिटिंग करने से सेवक मैंने घर को विजिटिंग बोले वो ब्रदर मुझे खुद ही बोला मेरा बहुत ही जिगरी था वो सेवर बहुत जिगरी थी परमेश्वर के नाम की महिमा प्रभु नाम रे महिमा है वो मुझे बोला से नीचे होते कहिले विजिटिंग में ब्रदर्स लोग आने से विजिटिंग में ब्रदर माने आसे उन लोग सामने से आता था वो पीछे दीवार से कूद के चले जाता था से माने सामने रो आसुथिले पछरो कांथटी पड़ाउ थिले वो सामने उसके सामना सामना नहीं करना चाहता से केबे भी सामना सामने हेबा को चाहु नथिले इसके माइंड में क्या है कारण एहा को मन रे कोन अछि परमेश्वर तो दयालु है प्रभु तो दयालु परमेश्वर तो कृपालु है प्रभु तो कृपालु परमेश्वर तो करुणामय है प्रभु तो करुणामय मरने से पहले क्षमा मांग लेंगे हो जाएगा मोरे बापुर बर खेवा मागे देबे हे जीव बोल करके बड़ा संडे स्कूल पढ़ाया ना सब मालूम है उसको आ संडे स्कूल पढ़ी छते सब तक जाना बड़ा निर्द बड़ा बोल्ड से जीवन जी रहा है आ ए प्रकार बड़ा साहस से जीवन बिताउ थिले एक दिन पिकनिक गया दिन पिकनिक गले परमेश्वर के नाम की महिमा प्रभु के नाम रे महिमा पूरे पूरे दोस्तों के साथ कॉलेज बैटालियन के साथ पिकनिक गया पूरा कॉलेज बैटालियन सहित से पिकनिक गले पिकनिक जाने के समय पिकनिक जीवा समय रे जिस जगह में लोग पिकनिक जाना था उनको एक छोटा सा नदी को क्रॉस करना है एक छोटा सा पहाड़ के ऊपर का एक झरना है नहीं तो एक 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 क्या कहते हैं खाई है उसको पार करना है और जो जगह कोई मैंने पिकनिक जाऊ छंदे गोटे छोटिया झरना बा खाई अच्छी जाको पार करके जीवा वो पहाड़ है उसके बीच उसको पार करना है और दीटी पहाड़ एमती ज्यादा नहीं है एक फुट है डेढ़ फुट का एक दरार है वो
बेसी नुए गोटे फुट दो फुट का होगा मैक्सिमम दो फुट रो ता फट सारा लड़का लड़की लोग कॉलेज में पिकनिक गया सब पोछो कॉलेज में पिकनिक गले बस से उतर के सब लोग चला गया बस रो ओलाई समस्त पढ़ाई ले पूरे बस में केवल एक ही एक लड़की है जो बस में बैठी रही अब पूरा बस से केवल गोटे छ जी के बस रे बसी थी क्यों वो नहीं गई काहे कि से गले नहीं क्योंकि उसको ये कूदने में डर लग रहा है कहा ता को ए देई बारे डर लगो छ गड्ढा बहुत गहरा है बोलकर इतने गंभीर का तो बोलकर के उधर ही बैठी रही से ए प्रकार कोई सेठरे बसी और एक लड़का कैमरा बस में भूल गया आओ गोटे पुआ से कैमरा बस से भूली जाई वो कैमरा लेने के लिए बस में आने से कैमरा नबा पे बस को ये लड़की अकेले बैठी हुई है ए छे एका के बसी छी उसने बोला अकेले नहीं बैठना से कहले एका के बस नहीं मेरे को कूदने में डर लगता है से कहले ना मुझे डेंबे को डर लगता है चल मैं तो को लेकर के जाएगा चल मु नहीं की जीबी उस लड़की को पकड़ करके कूद करके उस पार जाने के टाइम में से छियो को नहीं की जाए दे के आरो पर हेबा समय रे लड़की डर गई छियो डरी गला घबरा करके हाथ झटका दे दिया डरे के हाथ झटका ही दला ये लड़का ये लड़की दोनों खाई में गिर गया ए पुआ छियो दुई जन से गातर पड़ी गले परमेश्वर के नाम की महिमा परमेश्वर का नाम रे मोई मारे दोनों खाई में गिर गए दुई जन जको से खाई रे पड़ी गले खत्म हो गया पिकनिक सरी गला सब लोग इंदु को ढूंढ रहे हैं समस्त मान को खोज छती इंदु मिलता नहीं है माने मिलो नहां कई लोग बोला अनेक कहिले शायद उन दोनों आपस को प्रेम करते होंगे बोले से माने परस्पर को प्रेम करथिबे भाग गए पढ़ाईले लेकिन इसको जोश को मालूम है नहीं है मेरे को मालूम होना चाहिए फिर तो किंतु ए जोश को जड़ा मु तो जाने थांती ऐसा नहीं हो सकता इते होई परबो नहीं वो लोग ढूंढा ढूंढा नहीं मिला माने खोजले मिलला नहीं दो दिन के बाद महानदी में उसका बॉडी निकला दुई दिन पर महानदी से सब मिलला परमेश्वर के नाम की महिमा परमेश्वर का नाम और ये उसका जिगरी दोस्त था यहाँ तंगर पूरा प्रिय बंधु थे वो अपने उस दोस्त भाई को अपने हाथ में लेकर के निजरा से इस सांगो भाई को हाथ में धरी उसके माँ के घर में ले जाने के समय तंगर माँ घर को नहीं की जीवा समय परमेश्वर जोश से बातें की है परमेश्वर जोश को सो कथा है उस जगह में तू होता तो तुझे क्षमा मांगने का समय मिलता क्या सही जगह तुम्हें थी तुमको क्षमा मांगी बस उस जगह में अगर तू गिरता तो परमेश्वर दयालु है कृपालु है करुणामय है तुझे क्षमा मांगने के लिए समय मिलता क्या सही जगह रे तुम्हें थिले परमेश्वर दयालु कृपालु करुणामय क्षमा मांगी बार समय मिली था ताकि दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ ब्रदर जोश औ ताई से ब्रदर जोश कर फेरी बार समय थिला उसके जीवन को बदल दिया तबरे तंगो जीवन बदल ही गला परमेश्वर का सेवा में 94 में आया और 1994 रे प्रभु का सभा रे बॉम्बे में सेवा करके प्रभु में चला बॉम्बे रे सभा करे प्रभु गनी को पढ़ाई प्रिय लोगों दूसरों के लाइफ में होने वाली घटना के द्वारा कई बार परमेश्वर हमको वार्निंग देता है प्रिय लोके अन्य जीवन रे होतवा घटना द्वारा प्रभु हमको अनेक समय रे चेतावनी दिया बेलशेसर के जीवन में होने वाली वार्निंग नबुकदनेस्सर के लाइफ को दिखा करके दानियल दे रहा है बेलशेसर जीवन रे से चेतावनी राजा नबुकदनेस्सर जीवन रे होतवा विषय को देखे दानियल देउ छ परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा परमेश्वर के पवित्र नाम रे महिमा है अगला वार्निंग को हम लोग ध्यान करेंगे असन परवर्ती चेतावनी आडू कुछ नेक्स्ट वार्निंग इज गिवन बाय नूहा नूहा को परमेश्वर ने वार्निंग दिया परवर्ती चेतावनी परमेश्वर नूह को देले परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा यहां पर स्वयं गॉड इज गिविंग वार्निंग टू होल मैनकाइंड थ्रू नूहा और बाय द प्रीचिंग ऑफ नूहा एठारे परमेश्वर अपन निजे नूह को द्वारा समग्र मनुष्य जाति को से चेतावनी देउछंती इन हिब्रू चैप्टर 11 एंड वर्स 7 नूहा वाज अ प्रीचर ऑफ वार्निंग एब्री 11 पर्व 7 पद अनुजाई नह चेतावनी रो प्रचारक थिले परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो परमेश्वर के पवित्र नाम रे महिमा हो पर हम लोग देखने पाते हैं कि नूहा प्रचार के द्वारा लोगों को वार्निंग दिया एठरे हमें देखो नह प्रचार करी लोक मान को चेतावनी देले परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो परमेश्वर के पवित्र नाम रे महिमा हो लोगों समटाइम्स थ्रू प्रीचिंग God will warn us. परमेश्वर को प्रिय लगे कहते को सबने प्रचार संदेश द्वारा प्रभु हमको चेतावनी दी संदेश के माध्यम से परमेश्वर को वार्निंग करे संदेश माध्यम रे चेतावनी दियंती दिस इज योर मिस्टेक दैट इज योर मिस्टेक हां तुम्हारा भूल हां तुम्हारा भूल जब परमेश्वर के वचन को सुन करके वचन में मिलने वाला वार्निंग को मिलता है उस समय में हम लोग हमारे हृदय को कठोर नहीं करना चाहिए जितने परमेश्वर वाक्य को सुनने बाद और हमको चेतावनी मिले सही समय हमें हमारे हृदय कठिन न करो कई लोग परमेश्वर के वचन को सुन के ये मेरे को जान पूछ के बोल रहा है ये मेरे को जान पूछ के बोलता है करके कई लोग अपने मन को कठोर कर देते हैं अनेक परमेश्वर के वाक्य को सुने नहीं मते जाने सुने ही कहो अच्छा थी बोली निजर मन को कठिन करन प्रिय लोगों आप लोग मानो या ना मानो प्रिय लोगे तुम्हें मानो कि आप विश्वास करो या ना करो विश्वास करो कि ना करो जान पूछ करके आपको दुख पहुंचाने वाला वचन कभी हम लोग प्रचार नहीं करते जाने सुने तुमको दुख दबा वाक्य हमें कभी प्रचार करो ना हो आज आपको चोट पहुंचाना है करके एक वचन को ढूंढ करके हम लोग रात में प्रार्थना नहीं करते आज तुमको दुख दबा अच्छे बोले गोटे वाक्य दिखाई बा पाई हमें रात में प्रार्थना करो आपकी ये गलती के बारे में मुझे बताना है बोल करके हम लोग वचन को ढूंढ करके एक संदेश को कभी भी नहीं बनाते तुम्हारा ये भूल को दिखाए बार अच्छे बोले बाकी को खोजा में कभी भी संदेश करो ना हो आपको चाहिए तो मीटिंग के बाद मैं लिखा हुआ इस पर्चे को जो मैं 10 सप्ताह से आपके बीच
कितने प्रचार कर रहा हूँ आप लोग चेक करके देख लीजिएगा। यदि आपन को दरकार तो सभा सरीला परे एई थारे मो लिखित बा से जहा को 10 सप्ताह को प्रचार करू अछि देखि दे। मैं केवल उस पे पॉइंट और उस पॉइंट में लिखा हुआ रेफरेंस को उसमें रेफरेंस उस पॉइंट के अंडर आने वाला पॉइंट में क्या बोलना है मेरे को भी नहीं मालूम। केवल से पॉइंट पॉइंट रो अंडर के पॉइंट कोई भार अछि ता मते जाना नहीं। उस विषय में क्या व्याख्यान देना मेरे को भी नहीं मालूम। से विषय में कौन व्याख्या करबे मते भी जाना नहीं। एक पानी के बारे में सोचने के समय प्रभु ये पानी किसको दिखाता है करके वचन के आधार में क्या क्या सच्चाई है केवल हम लोग ढूंढ करके बैठते हैं। सही जल भी सभावी अवस्था में यही जल रो कौन अनुभव अच्छे बोले मैं केवल बाकी को खोजी बसी था। उसको व्याख्यान करने के समय कई प्रकार की बातें परमेश्वर स्पॉट में हमको बता करके देता है। व्याख्या करी बात समय कहते को विषय प्रभु सही समय रे कही था। उसमें हो सकता है कि कुछ बातें आपके जीवन की घटी कभी या आपके जीवन के चेतावनी स्वरूप होने के कारण वो आपको चुभता है लेकिन वो आपको छूता है। हे परे सही विषय कहते को समय अपन को जीवन दोष दुर्बलता थिपा है तो अपन को जीवन चेतावनी पाई है तो अपन को बाधे बापन को कष्ट लागे। परमेश्वर के सम्मुख में खड़े होकर के मैं आपसे कहता हूँ आप लोग को ठेस पहुंचाने के लिए या आपको जान पूछ करके मारने के लिए एक शब्द भी मैं बोलने के लिए नहीं चाहता। प्रभु का सम्मुख में छिड़ा हुए कह को अच्छी जे अपन को बाधा देबा पाए अपन को दुख पहुंचाए बे गोटी भी शब्द मुको हो नहीं। उसके लिए मैं अपने आप को योग्य भी नहीं समझता। सती मैं मुनि जी को योग्य भी भावे नहीं। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम रे महिमा है। लेकिन आने वाले विषय को लेकर के परमेश्वर की आत्मा विवश करने के समय में कुछ बातें बोलते बोलते बोल करके चले जाते हैं वो आपके लिए चेतावनी है क्योंकि परमेश्वर आपको प्यार करता है। किंतु कोथि वास्तव में किसी भी से परमेश्वर का आत्मा विवश करी बहुत हमें कोई था होता अपन को निमंत चेतावनी अटे जाए कि परमेश्वर कोई बानी मुझे विवश उसको लेकर कि आप लोग गलत नहीं समझना चाहिए। ताको नहीं तुम्हें भूल भावना नहीं। उसको लेकर कि आप लोग गलत अर्थ नहीं लेना चाहिए। ताको नहीं भूल अर्थ काढ़ना। उसको लेकर के पर्सनल नहीं होना चाहिए। ताको नहीं पूरे व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की आत्मा आपको मुझको देने वाला चेतावनी है। परमेश्वर का आत्मा अपन को मते देता चेतावनी। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर के पवित्र नाम रे महिमा। परमेश्वर के प्रिय लोगों परमेश्वर देने वाले चेतावनी को जैसा वो परमेश्वर बोलता है हम लोग लेना चाहिए ये हमारा कर्तव्य है। परमेश्वर को प्रिय लोगों प्रभु देता चेतावनी जो प्रकार से चाहते हमें ग्रहण करता नवा दरकार यह अमर कर्तव्य। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम रे महिमा। परमेश्वर प्रचार के माध्यम से हम लोग को चेतावनी देता है। परमेश्वर प्रचार माध्यम रे हमको चेतावनी दियो। पढ़ेंगे इब्रानी की किताब 11 अध्याय 7 वचन को। इब्री 11 पर्व तार 7 पद पढ़िबा विश्वास द्वारा नह से समय पर्यंत अप्रकाशित विषय संबंध रे प्रत्यादेश पाई भक्ति सहकारे अपना परिवार रक्षा निमंते गोटी जहाज निर्माण कले पुणी से ही विश्वास द्वारा से जगत को दोषी करी विश्व अनुजाई धार्मिकतार अधिकारी हेले। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे महिमा। ओडिया ट्रांसलेशन में कैसा लिखा मेरे को नहीं समझ में आया बट इंग्लिश में पढ़ करके देखने के समय में उन लोगों को दोषी ठहराने के लिए ऐसे वार्निंग ही प्रीस्ट अबाउट रेन करके लिखा हुआ है। और ओडिया अनुवाद रे के प्रकार लिखा छ मते बुझा पड़ी रे नहीं किंतु इंग्रजी अनुवाद रे पढ़ी बस समय रे समय को दोषी सब्यस्त करबो अनि मते से वर्षा विषय रे चेतावनी स्वरूप प्रचार करले। उसने चेतावनी दिया वर्षा होने वाला है। चेतावनी देले मन परिवर्तन के लिए तुम लोग जहाज में प्रवेश करना परिवर्तन में जहाज में प्रवेश करो। प्रिय लोगों इसी प्रकार संदेश के माध्यम से परमेश्वर आपको चेतावनी मेरे को चेतावनी देता है। प्रिय लोग के इस प्रकार संदेश माध्यम हमारे परमेश्वर अपन को मते चेतावनी दिया। जब परमेश्वर का वचन चेतावनी स्वरूप हमारे पास आए उस समय में हम लोग हमारे हृदय को कठोर न करे हम लोग सुन के अनसुना ना बने। जितने परमेश्वर का वाक्य रूप चेतावनी हम मन जीवन में आसे हमें ताको सुने अनसुना न करो हमारे हृदय को कठिन न करो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम रे महिमा है। पांचवा चेतावनी पवित्र आत्मा का अभिषेक हम लोग को देता है। पंचमो चेतावनी पवित्र आत्मा का अभिषेक हम लोग को पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा भविष्यवाणी के माध्यम से परमेश्वर हम लोग को चेतावनी देता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक द्वारा भावाणी माध्यम और प्रभु चेतावनी देता है। ये सारे चेतावनी एक पानी के समान हमारे पास आता रहता है। प्रिय लोगों ये समस्त चेतावनी जड़ परे हम निकट को आते। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रे महिमा है। अगर आप प्रेरितों के काम को पढ़ करके देखोगे इन चैप्टर 21 यदि अपन प्रेरित पुस्तक तर 21 पर्व पढ़ी प्रेरितों के काम चैप्टर 21 वर्स 10 ऑनवर्ड्स अगर आप पढ़ करके देखोगे यदि अपन प्रेरित पुस्तक 21 पर्व 10 पद रु तळ को पढ़ी पढ़ी 10 से लेकर के 13 तक के वचन को देखने के समय में फिलिप नाम की एक 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 सेवक था जिसकी बेटियां भविष्यवाणी करती थी जिसने भविष्यवाणी करते हुए प्रेरित पौलुस के बारे में एक चेतावनी दिया। प्रेरित पुस्तक तार 21 पर्व 10 रु 13 पद पढ़ा समय फिलिप नामक जन व्यक्ति थे जहां कर कन्या माने भावाणी करूथिले और से कन्या माने भावाणी करी पाउलो को गोटे चेतावनी देले। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर के पवित्र नाम रे महिमा है। चेतावनी देकर के बोला तेरे लिए एक बंधन यरूशलेम में दिखाई दे रहा है। चेतावनी देई कहले तुम पे गोटे बंधन यरूशलेम में देखा जाए। यरूशलेम में अगर तू जाएगा तेरे हाथ पैर को बांध करके तुझे बंधन में बेड़ियों में बांध करके ले जाएंगे। यदि तुम यरूशलेम को जीवो तेबे तुम्हारे हस्त पद को बांधी श्रृंखला रे बांधी तुमको नहीं की जीवे। पवित्र
आत्मा उन लोगों को चेतावनी देते हुए देखने पाते हैं। पवित्र आत्मा इमानको चेतावनी देते हुए चेतावनी को सुनकर के पौलुस बोलता है मैं बंधन में जाने के लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ बोल करके फिर तो पौलुस वहां पर बोल रहा है चेतावनी को सुने से बंधन में जीवन मत मरवा भी मैं प्रस्तुत बोली पौल कह परमेश्वर के प्रिय लोगो चेतावनी परमेश्वर हम लोग को आत्मा के द्वारा भी हम लोग को देता है परमेश्वर को प्रिय लगे चेतावनी परमेश्वर आत्मा को द्वारा भी देता पवित्र आत्मा कई बार हमें चेतावनी दे करके हमारे जीवन में कई प्रकार की बातों को हमें दिखा करके हमको बता करके देता है पवित्र आत्मा अनेक थोड़ा चेतावनी दे हम जीवन अनेक विषय को हमको दिखाई जड़ाई आत्मा के द्वारा मिलने वाला चेतावनी को हम लोग सुन करके ये मेरे लिए नहीं है करके नहीं बोलना चाहिए आत्मा द्वारा मिलते हुए चेतावनी को सुने बोले न को परमेश्वर के सम्मुख में बैठ करके आत्मा में भरने के समय में परमेश्वर आत्मा के माध्यम से भविष्यवाणी के माध्यम से कई बार हमको चेतावनी देता है परमेश्वर को सब खड़े बसे आत्मा ने भरी बात समय परमेश्वर आत्मा को द्वारा भापाने माध्यम ने अनेक समय ने हमको चेतावनी दी चेतावनी देने के समय में ये मेरे लिए करके चेतावनी को सुनना हम लोग लेना चाहिए चेतावनी दबा समय यह मौत पाए बोले से चेतावनी को सुने बात और कई लोग भविष्यवाणी होने के समय उसके और कान नहीं लगाते हैं अनेक भापाने है बात समय कान नहीं आत्मा में भरने के समय में कोई लोग परमेश्वर की आत्मा के लिए कान नहीं लगाते आत्मा ने भरी बात समय अनेक प्रभु को आत्मा पे कान दियोती नहीं कई लोग को परमेश्वर ने भविष्यवाणी का वरदान दिया है लेकिन लोग उस भविष्यवाणी के वरदान को इस्तेमाल नहीं करते परमेश्वर का दंड तेरे लिए सुनिश्चित है अनेक जाको परमेश्वर भावाणी बलदान दे अच्छा सबने भावाणी बलदान व्यवहार करती नहीं परमेश्वर के नाम की महिमा होगी तेरे को दिया हुआ एक तोड़ा में तू विश्वास योग्य नहीं होने से तेरे लिए दंड सुनिश्चित है तुम पाई दिया जाए गोटी तोड़ा रे तुम्हें विश्वास न थी तुम पाई दंड सुनिश्चित क्योंकि जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया का उन्नति करता है करके पहला कुरिन्थी 14:4 में लिखा हुआ है भावाणी करे से मन निष्ठा जन्माई बोली प्रथम कुरिन्थी 14:4 रे वाक्य को है फर्स्ट कुरिन्थियन 14:4 में लिखा हुआ भविष्यवाणी के द्वारा तू कलीसिया का उन्नति करता है प्रथम कुरिन्थियन 14:4 परमेश्वर की आत्मा ने तुझसे बातें किया कलीसिया में बोलने के लिए परमेश्वर ने तुझे प्रेरित किया लेकिन तू लज्जा के कारण मनुष्य का चेहरा देख करके डर के मारे तूने जो उस भविष्यवाणी को नहीं बोला तूने कलीसिया की उन्नति नहीं चाहा तूने कलीसिया की उन्नति के लिए बाधा बना तेरे लिए दंड सुनिश्चित है परमेश्वर आत्मा जी की तुमसे कथा है तुमको मन में कुआ बोले जो प्रेरणा कले कि तुम्हें लज्जा है तो मनुष्य मुख देखी जहां तुम्हें कलो नहीं भविष्यवाणी परमेश्वर को चेतावनी स्वरूप बातें करता है भाववाणी परमेश्वर चेतावनी स्वरूप कथा परमेश्वर के पौत्र नाम की महिमा होवे पवित्र नाम रे महिमा है छठा विषय परमेश्वर के पौत्र नाम की महिमा होवे परमेश्वर पवित्र नाम रे महिमा है षष्ठ विषय जब हम लोग सेकंड किंग हम लोग पढ़ करके देखते हैं जेते बड़े हमें द्वितीय राजा बोली पढ़ी की 6:10 को पढ़ करके देखने के समय में 6:10 पढ़ी देखा समय सेकंड किंग 6:10 अगर आप पढ़ करके देखोगे द्वितीय राजा बड़ी 6:10 यदि पढ़ी की देखिए वहां पर इसराइल के ऊपर सीरिया ने तो आराम देश के लोग अटैक किया करके हम लोग देखने पाते हैं एथरे इसराइल देश ऊपर और आराम देश पर सीरिया देश आक्रमण करने को सीरिया ने तो आराम देश के लोग इसराइल के लोगों को नाश करने के लिए घात लगा करके एक जगह में बैठा हुआ था आराम देश के लोगों ने इसराइल को घात करने के लिए गोटे जगह लुचकी थी उस समय में वहाँ पर एलिशा नामक एक भविष्यवक्ता दिखाई दिया एलिशा नामक भविष्यवक्ता उसने राजा के पास खबर भेजा से राजा को खबर राजा तो उस जगह में नहीं जाना राजा तो मैं सही जगह को जाओ नहीं क्योंकि वहाँ पर शत्रु तेरा घात लगा करके बैठा है सही स्थान शत्रु तुम्हारे मुझे घात लगा राजा उस बात को सुन करके वहाँ पर गया नहीं राजा से भी थोड़ी गोले परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई और एक संदर्भ में दूसरे एक जगह में राजा को घात लगा करके बैठा हुआ है गोटे जगह राजा को पाई बोले घात लगाई बसी फिर से एलिशा के पास खबर भेजने से एलिशा खबर पठाई एलिशा ने राजा को बोला नहीं नहीं राजा तू वहाँ पर भी नहीं जाना एलिशा राजा को कहले नहीं राजा से को भी जाओ ना वहाँ पर भी तेरे लिए शत्रु घात लगा करके बैठा हुआ है भी शत्रु तुम पे घात लगाई बसी परमेश्वर के प्रिय लोगो ये बात को आराम का राजा सुन करके बड़ा परेशान हो गया परमेश्वर को प्रिय लगे ये विषय आराम राजा सुन बड़ा चिंतित हो उस समय में उसने अपने लोगों के बीच में एक सवाल पूछा प्रश्न हमारे सेना में उस राजा का गुप्तचर कौन है करके बोला हमारा सेना रे सही राजा ने गुप्तचर किए हमारी सारी बातों को बताने वाला कौन है करके पूछा हमारा सब कथा जाए सुनाओ थी बात सही चोर किए उस समय में आराम के सेना में से एक जन ने उसको जवाब दिया सही समय रे और हमारा सैन्य मान को मधुर जाने उत्तर दे हम लोग कोई इसराइल के पक्ष में नहीं है हमें कहे इसराइल पक्ष न हो लेकिन उनके लिए एक भविष्यवक्ता एलिशा बोल करके है भविष्यत वक्ता एलिशा है वही बार बार चेतावनी देकर के उनको बताता रहता है बार बार चेतावनी किधर जाना है किधर नहीं जाना है
क्योंकि राजा बार बार उस भविष्यवक्ता से पूछ करके कहीं जाता है कहीं आता है। करो राजा बार बार सही भविष्यवक्ता को पहुंचाए क्वाडे जाते में क्वाडो आसो भविष्य के नाम की महिमा होवे। भविष्यवक्ता उसको जाने के लिए अनुमति देने से वो जाता है, नहीं देने से नहीं जाता है। भविष्यवक्ता को अनुमति देने से जानती नौ देने से जानती नहीं। लेकिन रायगढ़ में भविष्यवक्ता को पूछने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। रायगढ़ में भविष्यवक्ता को पहुंचाने बैठे थे, अपने मर्जी से जाते हैं, अपने मर्जी से आते हैं, जाकर के आने के बाद बोलते हैं बद्र हम जाकर के आए थे, इसके लिए लास्ट संडे नहीं आए थे। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर के सम्मुख में मंडली के लोगों को एक नियम बताना चाहता हूँ। परमेश्वर को व्यवस्था अनुजाई मंडली सम्मुख में प्रभु करे गुडे नियम रायगढ़ के इस क्षेत्र से बाहर निकलने से कलीसिया को बता करके जाना ये आपका एक नियम है। रायगढ़ क्षेत्र बाहर को गोले मंडली ने जोड़ा की जीवा यह तुम्हारे नियम वो आपके लिए सुरक्षा का नियम है। यह तुम्हारे सुरक्षा का नियम इस बाउंड्री के बाहर अगर आप निकलोगे तो सेवकों को बता करके जाना चाहिए। बाहर को गोले सेवकों मन को कहे की जीवा क्योंकि सुबह और शाम आपके नाम को लेकर के स्तुति धन्यवाद करके प्रार्थना करके बाड़ा बांधने वाले सेवक लोग जानना चाहिए कि धूप बाड़ा तोड़ करके बाहर जा रहा है। उस बाड़ा के बाहर तू बिना बोल करके जाने से तेरे लिए विपत्ति आएगा। बाहर को न कहे की गोले तुम पाई विपद कभी दुर्घटना में गड़े गिरेगा कभी पाप में गिरेगा। दुर्घटना में पड़ी बोते कभी कुछ अनावश्यक बातों में तू फंस जाएगा। परमेश्वर की व्यवस्था का नियम कलीसिया का व्यवस्था का नियम ये है कलीसिया के हर एक विश्वासी लोग हर एक परिवार करने वाले सारी बातों को करने से पहले सेवकों से पूछ करके करना चाहिए। परमेश्वर का मंडली नियम परमेश्वर का व्यवस्था नियम प्रत्येक विश्वासी सेवाने करिबा कार्य पूर्व ये अधिकार जताने के लिए नहीं बोल रहे हैं। अधिकार जताई ये परमेश्वर की व्यवस्था का एक व्यवस्था है। परमेश्वर के प्रिय व्यवस्था तो व्यवस्था हमको अधिकार चाहिए करके नहीं मांग रहे हैं। अधिकार दरकार बोले लेकिन परमेश्वर ने ये पद्धति दिया है एक दूसरे के अधीन देने के लिए ये नियम सिखाया है। परमेश्वर पद्धति परस्पर अधीन नियम सिखाई बाड़ा तोड़ने के कारण ही सांप हमको डसता है। सही बाड़ा भांगी है तो सर्प दंशन करे। परमेश्वर के प्रिय लोगों इज़राइल की सुरक्षा के लिए एलीशा एक भविष्यवक्ता है। परमेश्वर का प्रिय लोग इज़राइल सुरक्षा पाई एलीशा भविष्य जब भी राजा के पास उसको राजा उसके पास जब सवाल पूछने के लिए जाता है तब उस समय में वो उसको बता करके देता है क्या करना है क्या नहीं करना है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। में बुलाए गए परमेश्वर के प्रिय लोगों प्रभु जिसको प्रभु हम सब एक परिवार होकर के दिखाई देना चाहिए। समस्त गोटे परिवार ही देखा हम एक दूसरे को एक बना करके रखना चाहिए। परस्पर को एको करी रखा परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। इस समय हर चीज सेवकों से पूछ करके करने के लिए हम लोग सीखना चाहिए। प्रत्येक सेवक मन को पहुंचाने करीबा में सीखे हम आपको चलाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हाँ हम आपको चलाना चाहते करके ये प्रचार नहीं करे करके गलत नहीं समझना। हमें आप लोगों को चढ़ाई चाहूँ तेरे प्रचार करो भूल भावना ही। लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए हमारी उन्नति के लिए परमेश्वर का पद्धति आपको बता करके दे रहे हैं। आप लोगों को सुरक्षा पाई हमारे उन्नति पाई परमेश्वर का पद्धति को परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम महिमा है। कोई भी चीज आप कर इस प्रकार पूछ के बोल के करके जाओगे परमेश्वर के प्रिय लोग कई बार सेवक लोग आपको हाँ कई बार ना बोल करके देंगे। परमेश्वर का प्रिय लोग अनेक समय सेवक मन अपने को हाँ बना वो आपके लिए चेतावनी वो आपके लिए आशीष होकर के बदले चेतावनी आशीर्वाद हो बदले। परमेश्वर के पुत्र नाम की महिमा होवे। हाँ को सुनकर के खुशी मनाना ना को सुनकर के दुखी होना हमारे स्वभाव में नहीं होना चाहिए। हाँ को सुनी आनंदित है ना को सुनी दुखित है हमारा स्वभाव ना हाँ हो या ना हो कुछ भी अवस्था में कुछ भी क्यों ना हो हम परमेश्वर की मर्जी करके लेकर के हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए समर्पण करना चाहिए। हाँ है कि ना है कि प्रभु की इच्छा बोले हमारा आत्मिक जीवन में प्रभु की इच्छा बोले कहीं समर्पण करें। लास्ट एंड फाइनली परमेश्वर के प्रिय लोगों थ्रू वर्ड ऑफ गॉड गॉड यूज्ड टू गिव अस वार्निंग। परमेश्वर अपना वाक्य द्वारा हमको चेतावनी परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको चेतावनी देता है। अपना वाक्य द्वारा हमको चेतावनी दी कई बार परमेश्वर के वचन को पढ़ने के समय में अनेक समय प्रभु का वाक्य पढ़ने कई बार परमेश्वर के वचन को अचानक पढ़ने के समय में अनेक समय हठात प्रभु का वाक्य कई बार परमेश्वर के वचन अचानक सुनने के समय में अनेक समय हठात प्रभु का वाक्य सुनने का समय वो वचन हमारे लिए वार्निंग होकर के दिखाई देता है। सही वाक्य हम पर चेतावनी हो देखा परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम महिमा है। कई बार परमेश्वर के दास लोगों को सेवकों को परमेश्वर बोलता है गो एंड टेल दैट वर्ड ऑफ गॉड टू दैट पर्सन
अनेक समय रे प्रभु आपनार दास मान को सेवक मान को कहंती जे सेई व्यक्ति को निकट को जाई प्रभु को सेई वाक्य कहो एजेकल की किताब तीसरा अध्याय जी जी कोई तीन पर्व एजेकल की किताब तीसरा अध्याय 18 19 20 21 वचन को आप पढ़ करके देखो जी जी कल तेरी पर्व 18 19 20 21 पढ़ के देखो तो एजेकल की किताब तीसरा अध्याय 18 19 20 21 वचन को पढ़ करके देखो जी जी कल तेरी पर्व 18 19 20 21 पढ़ के देखो एजेकल चैप्टर 3 वर्स 18 19 20 21 वर्सेस को पढ़ करके देखो जी जी कल तेरी पर्व 18 19 20 21 ए पद पढ़ के देखो परमेश्वर के प्रिय लोगों वहां पर पढ़ करके देखने के समय में आपको वहां पर यह उत्तर मिलेगा कि परमेश्वर उनको बोल रहा है कि जा और यह चेतावनी का वचन उनको दे अगर सुन के उन लोग परिवर्तन होंगे उनके लिए आशीष है उनको क्षमा है परिवर्तन ना हो तो उनके लिए विपत्ति है परमेश्वर एठारे को होचते जाई समय को ए वाक्य को यदि सामने सुने परिवर्तन हेले समय को पे आशीर्वाद यदि परिवर्तन न हेले समय को पे विपद कई बार वचन के द्वारा परमेश्वर चेतावनी देता है अनेक समय वाक्य द्वारा प्रभु चेतावनी दियो आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं अपना मान को निवेदन एजेकल की किताब तीसरा अध्याय 18 से लेकर के 21 18 से नीचे से आप पढ़ करके देखिए जी जी कल तीन पर्व 18 थोड़ा को पढ़ के देखिए एजेकल की किताब 33 चैप्टर आप लोग पढ़ करके देखिए जी जी कल 33 पर्व पढ़ के देखिए इन दोनों चैप्टर्स में एजेकल 3 एज वेल एज 33 जी जी कल 3 पर्व और 33 पर्व इन दोनों चैप्टर में परमेश्वर बोल रहा है गो एंड वार्न देम बाय द वर्ड ऑफ गॉड और ए दुई दुई जको पर्व रे परमेश्वर कहो छथि परमेश्वर वाक्य नै जाय समा को चेतावनी दे एजेकल बोल रहा है परमेश्वर का वाणी मेरे पास पहुंचा जी जी कल कहो छथि प्रभु कर वाणी मोनी कोटे रे पहुंचला कि मैं तुमको जाके चेतावनी दूं जे मैं तुमको निकट वासी चेतावनी देती प्रिय लोगो परमेश्वर कई बार सेवकों के द्वारा अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा अन्य किसी भविष्यता के द्वारा कई बार टीचर्स के द्वारा माँ बाप के द्वारा कई बार बोर्ड्स के द्वारा वचन के माध्यम से हमको चेतावनी देता है परमेश्वर को प्रिय लेके अनेक समय परमेश्वर सबक मान को द्वारा अन्य मान को द्वारा पिता माता द्वारा शिक्षक मान को द्वारा लिखा जितवा बोर्ड द्वारा वाक्य माध्यम रे हमको चेतावनी दियो प्रिय लोगो परमेश्वर द वॉइस ऑफ गॉड इज वार्निंग परमेश्वर का वाक्य चेतावनी होते एंड दैट वार्निंग इज फॉर आवर सेफ्टी एंड एडिफिकेशन सही चेतावनी हमर सुरक्षा पाई और हमर निष्ठा पाई इफ यू टेक इन ए गुड माइंड it is it will be a blessing for you jodi apana ta ko uttam man re nebe eha tuma pai ashirbad but if you take in a wrong mind it will curse you kintu eha jodi bhul man re nebe eha tuma pai abhisap ai amar aankho ko band kare asa nabe chokhi band kari parmeshwar ke sammukh me ghutna tek prabhu ka sab ghara antu madi ba parmeshwar ke priy logo aaj parmeshwar jal ke saman uska vaani ऐसे वार्निंग आपको दे रहा है परमेश्वर को प्रिय लगे आज ये परमेश्वर सही जोड़ को चेतावनी स्तर पे अपन को देवो छन ऐसे गुड बिलीवर डोंट टेक इन अ रॉन्ग वे ओ तो विश्वास से स्तर पे यह को भूल पत्थर पे भूल विभाग रे नियो नहीं चाइल्ड ऑफ गॉड डोंट टेक इन अ रॉन्ग सेंस ईश्वर को उत्तम संतान रे पे यह को भूल भावना रे नियो नहीं बीइंग अ गुड सन ऑफ गॉड टेक इन अ पॉजिटिव एंगल ईश्वर को उत्तम संतान है उत्तम रीति रे यह को ग्रहण करो परमेश्वर के प्रिय लोगों प्रभु के चेतावनी को सकारात्मक दृष्टि में ले परमेश्वर को प्रिय संतान ईश्वर को चेतावनी को सकारात्मक रीति रे आपको नफरत करते हैं करके हम नहीं कहते अपन को घृणा करो छ बिना मैं कहूं ना क्योंकि आप हमारे प्रिय हो हम आपको प्रेम करते हैं इसलिए हम आपको ये कहते हैं किंतु अपन अमर प्रिय अटंती हमें अपन को प्रेम करु छ तेनो अपन को कहो छ हमारे प्रेम भले ही आपको दिखाई ना देता हो हे पर अमर प्रेम अपन को देखा जाओ ना भले ही हमारा प्रेम आपको दुश्मनी करके दिखाई देता हे पर अमर प्रेम अपन को शत्रुता पर देखा जाओ लेकिन हम आपके दुश्मन नहीं है किंतु हमें अपन को शत्रु ना आपसे दुश्मनी लेकर के हमको कोई लाभ नहीं अपन को शत्रुता करे हमरे किछ लाभ नहीं आपके साथ दुश्मनी लेकर के हमें कोई स्वर्ग नहीं मिलने वाला अपन को शत्रुता करे हमको कोनो से स्वर्ग मिलबो नहीं इसके लिए प्रिय भाई प्रिय बहन आप हम लोग को दुश्मन ना समझे तेरो प्रिय भाई प्रिय भोनी अपन हम को शत्रु भवन तो नहीं आप लोग का जीवन अच्छा हो अपन का जीवन उत्तम आप लोग का घर परिवार आशीषमय हो अपन का घर परिवार आशीर्वादमय आपका जीवन अंत में स्वर्ग राज में जाकर के पहुंचे अपन का जीवन ससरे स्वर्ग राज्य रे जाई पहुंचे इसी के लिए बस हम लोग हमारी बुद्धि से हमें मिला हुआ अनुग्रह से हम कोशिश कर रहे हैं तेरो हमें अमर बुद्धि मिलितवा अनुग्रह रे चेष्टा करो इसको आप लोग दुश्मनी करके ना ले याको अपन शत्रुता भाव रे नियो परमेश्वर इन दिनों में देने वाले छे चेतावनी को ग्रहण करते हुए परमेश्वर के और परमेश्वर के लोगों के समीप आने के लिए परमेश्वर हम सबको मदद करे परमेश्वर एक दिन गुड़ी करे दे थवा चेतावनी को ग्रहण करी परमेश्वर को निकट को परमेश्वर को लोकमा को निकट और निकटवर्ती हवा निमंत प्रभु हम समस्त को सहायता करे परमेश्वर के हाथ हम अपने आप को समर्पण करते हुए धन्यवाद करेंगे अब तो परमेश्वर का हस्त रे निजो को समर्पण करी धन्यवाद करिबा प्रेज द लॉर्ड प्रेज ही प्रेज द लॉर्ड 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 प्रेज द लॉर्ड